एक कथा जो लाखों लोगों के जीवन का दर्पण है। देश पिता के चरणों में हम सब की ओर से अर्पण है। समाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो, जुल्म और लूट के रिवाज को बदल डालो, समाज को बदल डालो। कितने घर हैं जिनमें आज रोशनी नहीं, कितने घर हैं जिनमें आज रोशनी नहीं, कितने तन बदन हैं जिनमें जिंदगी नहीं। बदल डालो, समाज को बदल डालो। सैकड़ों की मेहनतों पर एक क्यों पले, सैकड़ों की मेहनतों पर एक क्यों पले। ऊंच नीच से भरा निजाम क्यों चले, आज है यही तो ऐसे, आज को बदल डालो, आज है यही तो ऐसे, आज को बदल डालो, समाज को बदल डालो। योर ऑनर, अब इस अदालत में ये बिना किसी शक शुबा के साबित हो चुका है कि मुलजमाने जो इस कटघरे में खड़ी है बेदर्दी और बेरहमी से तीन खून किए हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिमा को ताजीरात हिंद दफा 302 और दफा 309 के मातहत मुजरिम करार दिया जाए। मुलजिमा छाया देवी, यह मुकदमा खत्म होने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। मुझे एक पल भी जीने का मौका न दीजिए, फौरन मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दीजिए। फैसला आपकी मर्जी से नहीं, कानून की रूह से होगा। कानून के हिसाब से भी मैं फांसी के फंदे से नहीं बच सकती। मैंने तीन खून किए हैं, ये मैं खुद इकबाल करती हूँ। मैं किसी कानून का फायदा नहीं लेना चाहती, दुनिया की किसी भी अदालत में जीवन दान के लिए अपील नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहती हूँ। काउंसिल फॉर द प्रोसिक्यूशन, आपको कोई एतराज है? नो ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आप जो कुछ कहना चाहती हैं कह सकती हैं। आज इस इंसाफ के मंदिर में खड़ी होकर मैं इस अदालत तक ही नहीं बल्कि सारे समाज और इस दुनिया के हर इंसान तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूँ। मेरी ये प्रार्थना मुझे मिलने वाली सजा कम कराने के लिए नहीं, मेरे पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन इतना भीषण अपराध मैंने क्यों किया? किन हालात से मजबूर होकर मैंने इंसानियत का गला घोटा? वो सरकारी वकील विमला देवी मेरी सहेली है, बचपन की सहेली। मैं और विमला साथ खेले, साथ पढ़े लिखे। मैं विमला से कहीं बढ़कर खुशहाल थी। आज विमला पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनी हुई है और मैं मुजरिम बनी, इस कटघरे में खड़ी हूं। विमला ने अपनी सहेली का पक्षपात नहीं किया बल्कि मेरे संगीन जुर्म को साबित करने के लिए कठोरता के साथ अपना फर्ज पूरा किया। मुझे अपनी सहेली पर गर्व है,
अगर दुनिया के हर इंसान ने विमला की तरह नेक नियति से अपने कर्तव्य का पालन किया होता तो आज मेरी कहानी कुछ और ही होती। मैं भी बहुत सुखी थी, खुशहाल थी। कल तुम्हारे डांस प्रोग्राम कैसा रहा? एकदम शानदार था। बस एक आप नहीं आए, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। अरे पगली, मैंने तो पहले ही कह दिया था मैं नहीं आ सकता। अगर तुम चाहती हो मैं आऊँ तो तुम्हें 7 दिन पहले बताना होगा। मेरी खातिर 1 घंटे के लिए भी नहीं आ सकते थे आप? बेटी, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ी मिल का पार्टनर है, उसकी जिंदगी भी मिल की एक मशीन की तरह चलती रहती। तो ठीक है, लेकिन याद रखिए 1 साल पहले से कह रही हूँ, अगले साल जरूर आना होगा। आऊंगा भाई, आऊंगा, जरूर आऊंगा। कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ पिताजी। जी नमस्ते, सेठ जी हैं? हैं, लेकिन आज इतवार है, सेठ जी किसी से मिलेंगे नहीं। जी हम जानते हैं,
लेकिन हमारी भी आज ही छुट्टी है, हम आज ही तो उन्हें मिल सकते हैं। पर आप लोग हैं कौन? जी हम उनकी मिल में मजदूर हैं। मिल में मजदूर हैं? जी। आइए अंदर आइए। पिताजी मिल से कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते सेठ। नमस्ते। नमस्ते प्रकाश। आओ। अरे भी खड़े क्यों, बैठो। बस ठीक है सेठ। क्यों प्रकाश, तुम यहाँ यूनियन सेक्रेटरी की हैसियत से आए हो या ऐसे ही? सेठ जी अगर सब मालिक लोग आप जैसे हो तो न यूनियन की जरूरत होगी न सेक्रेटरी की। अरे भाई मैं तो यूनियन मजाक कर रहा था। हाँ सुनो कैसे आना? सेठ जी पिछले साल दिवाली का बोनस हमें दिवाली के दिन ही मिला था, अगर इस साल दिवाली से कुछ पहले मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ मिलना तो दिवाली से पहले ही चाहिए। मैं इसके बारे में अपने पार्टनर दौलत राज से जरूर बात करूंगा। शेख जी हमारे लिए तो आपकी यहाँ ही काफी। नहीं नहीं भाई दोनों की यहाँ की जरूरत है। इस मिल में वो भी भागीदार है और मैं भी। लेकिन तुम चिंता मत करो मैं कल ही उनसे मिलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्ते। अच्छा बेटी मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। पिताजी दोपहर खाने के लिए जल्दी आइएगा। अच्छा बेटी आज इतवार के दिन आपसे मिलने कौन आएगा? बेटी हर चीज कायदे से होनी चाहिए, जब अंदर है तो अंदर और जब बाहर जा रहे हैं तो बाहर। अरे मेरा बटुआ। ओ चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ए क्या कर रहे हो साहब? पैसे गिन रहा था साहब, चोरी का जमाना है, पुलिस स्टेशन के सामने कम से कम खुल्लम खुल्ला चोरी तो नहीं होगी, अंदर से तो साफ सब कुछ। जाओ जाओ। जाता है साहब, सब आपका पॉकेट। हाँ ठीक है। पूरन। प्रकाश भैया कैसे आप, मिल से आ रहे हैं? हाँ तुम आजकल कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं देते। बात दरअसल ये कि मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। क्या काम कर रहे हैं? वो काम कर रहा हूँ जो अपने लीडर भी नहीं कर पाते। क्या मतलब? समाजवाद का प्रचार, एक जगह इकट्ठा करके छुपाए हुए रुपयों को गरीबों की गंगा की तरफ खींच रहा हूँ। बहुत बड़ी स्कीम है, कभी आप मुझे फुर्सत से मिले ना तो मैं आपको समझाऊंगा। जय हिंद। ये क्या बदतमीजी है? गलती हो गई काका, मैंने आपको चांदमल समझा था। अरे मैं चांदमल नहीं, मैं बालचंद। यही तो भूल हो गई काका, मुझे तो चांदी चांद नजर आया था, बाल तो एक भी नजर नहीं आया। काका मुझे माफ। अच्छा बेटा जा, मैंने तुझे माफ किया। ऐसे नहीं काका, ऐसे नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, घबराओ नहीं काका। लो जितने बाल आपके सर पर नहीं, जितने बाल मेरे सर पर है उतने जितने। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा बेटा, जा मैंने तुझे माफ किया। नहीं काका नहीं, नहीं काका, जब तक आप मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे मेरा दिल साफ नहीं होगा। अरे बेटे रो मत, मैं तुझे अपने गले से लगा लूंगा। काका काका बस अब तो तेरा दिल साफ हो गया है ना? हो गया काका। अच्छा बेटा क्या मैंने तुझे माफ किया, भगवान तुझे खुश रखे। दिल क्या साफ हुआ काका, साफ हुआ। शर्म नहीं आती, छोकरी होके मरद को धक्का मारती है, घर में कोई बाप भाई है कि नहीं? माफ करना माफ करना। अरे अच्छा कसाई की घास बकरी खा जाए। आओ बा, आ आओ 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 बा। वारी तू तो मेरे से भी तेज निकली, एक झटके में पतलून का माल चोली में। ये ले। क्या नाम है तेरा? पहले तू तेरा नाम बता। पूरन। मेरा नाम चूरन। पूरन चूरन, अरे वाह क्या जोड़ी मिली है बाप। चूरन मैंने तेरे को पहले मार्केट में कभी नहीं देखा। मैं नहीं हूँ यार। नहीं है?
कोई बात नहीं, मैं तेरे को पुरानी कर दूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि जो काम मेरे से नहीं होगा वो तू करना, और जो काम तेरे से नहीं होगा वो मैं करूंगा। जब औरत मर्द साथ में मिल जाते हैं तो क्या होता है? तूफान आता है। तो उठा दे तूफान, मचा दे हल्ला और बन जा मेरा पार्टनर। पार्टनर? पार्टनर, चल। ए, इतनी जल्दी इतनी नजदीक मत आ। माफ करना हाँ, माफ करना। नन्हे मुन्ने हाथी खराती कहाँ खराब करने चले गए? वाली कहाँ गए? नमस्ते दौलत राम जी। आइए आइए सत्यनारायण जी, आइए आइए बैठिए। नमस्ते अंकल जी। जी तीनों बेटी कॉलेज नहीं गए? कॉलेज की छुट्टियां क्या? अजी मंजू नहीं कॉलेज की छुट्टी करती। वो कैसे? इनकलाब का जमाना है भाई साहब। मंजू अपने पपी के साथ क्लास में जाना चाहती थी, प्रोफेसरों ने एतराज कर दिया। प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंची कि अगर वो पपी को क्लास में आने नहीं देंगे तो प्रोफेसर भी क्लास में नहीं आ सकते। बस फिर क्या था, बात बढ़ गई और हड़ताल शुरू। नाराबाजी पत्थरबाजी से होते हुए भूख हड़ताल तक पहुंच गई, और उस सबकी लीडर थी हमारी मंजू। लेकिन एक ही दिन की भूख हड़ताल से इसके पेट में चूहे कूदने लगे। इसने घबराकर हमें तार दिया और हमें मजबूरन जाना पड़ा। वहां के हालात देखे, मंजू को बहुत समझाया कि बेटी एक दिन सबर कर ले, हम किसी ना किसी मिनिस्टर को बुलाकर उसके हाथ से तुझे नींबू पानी पिलवाएंगे, इतनी बड़ी मुफ्त की पब्लिसिटी भी मिल जाएगी। लेकिन नहीं नहीं, ये फूट फूट कर रोने लगी। बस हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं, इसलिए हम इसे चुपचाप कॉलेज के पिछले रास्ते से घर ले आए। लेकिन हड़ताल अभी तक जारी है। अंकल आप डैडी की बात बिल्कुल नहीं मानिए, कौन माने? कहिए सत्यनारायण, कैसे आना हुआ? कोई खास वजह नहीं, हर साल हम अपने वर्कर्स को दिवाली पे बोनस देते हैं, वो चाहते हैं इस साल दिवाली से पहले दे दिया जाए। गुड, मजदूरों की मांग की पैरवी मालिक लोग कर रहे हैं। समाजवाद की हवा पत्ते टहनियों को ही नहीं जड़ों तक पहुंचती जा रही है। बोनस तो हर साल हम देते ही हैं। हाँ जी, प्रॉफिट हो तो बोनस दिया जाता है, इस साल नो फायदा नो बोनस। दौलत राम जी, दिन ब दिन बढ़ती हुई मिल की तरक्की किसी की नजर से छुपी नहीं, और इस साल तो पिछले साल से दुगना मुनाफा हुआ है। आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिजनेस। यानी? सत्यनारायण, पूंजी के बगैर व्यापार चल सकता है, लेकिन झूठ के बगैर व्यापार नहीं चल सकता। व्यापार करने के लिए क्या जरूरी है कि आदमी झूठ बोले? हाँ जी, आदमी ही तो झूठ बोलता है, जानवर को क्या जरूरत पड़ी है कि झूठ बोले। और फिर बिजनेस के दाव पेच आप मुझसे जरा कम समझते हैं, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ आप वही कीजिए। उनसे जाकर कह दीजिए कि इस साल बहुत भारी नुकसान हुआ है। नुकसान? नहीं तो यूँ कह दीजिए कि मुनाफा नहीं हुआ। आप चाहते हैं मैं झूठ बोलूं? जी हाँ, अगर मैं सच बोलूंगा तो वो लोग कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अगर आप झूठ भी बोलेंगे तो वो लोग कहेंगे कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को आप पर विश्वास है, इसलिए आपको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं किसी भी हालत में झूठ नहीं बोल सकता। एक झूठ बोलकर लाखों रुपए का फायदा कर सकते हैं आप, आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा। नामुमकिन। मिस्टर सत्यनारायण, लानत ऐसे फायदे पर, ये व्यापार नहीं अत्याचार है, पाप। इस पाप में आप भी बराबर के हिस्सेदार, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आपका कहना मान नहीं सकता। और अगर हम आपका कहना मान लें तो मुनाफा तो एक तरफ, हमारा दिवाला निकल जाएगा। हम दोनों अपने फायदे के लिए हजारों मजदूरों का भूखा मारते हैं, मुझे ऐसा धंधा बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर सत्यनारायण, बर्बाद हो जाओगे तुम। बिल्कुल सच, आपके साथ व्यापार में कुछ दिन और पार्टनर रहा तो जरूर बर्बाद हो जाऊंगा। तो ठीक है, खत्म कर दीजिए ये हिस्सेदारी। ये बात मैं कहने वाला था, अच्छा हुआ आपने कह दी, फौरन हिसाब किताब कर दीजिए। आप जरा जल्दी कर रहे हैं मिस्टर सत्यनारायण, कितने वर्षों से हम लोग इकट्ठे बिजनेस कर रहे हैं, अब एक जरा सी बात पर आप इस तरह अलग हो जाएंगे तो दुनिया हंसेगी। आप फिर सोच लीजिए। आप पहले मजदूरों के बोनस के बारे में सोच लीजिए। दौलत राम ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, बोनस नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि आप कितने मतलबी और गिरे हुए इंसान हैं। मैंने भी कह दिया आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, फौरन हिसाब किताब कर दीजिए और पूंजी और फायदे में से मेरा हिस्सा भेज दीजिए। भेजता हूं, तुम्हें ही भेजता हूं। अरे
हेलो। हाँ, ये वकील कुंदन लाल का घर है। बाबूजी बाबूजी, सेठ दौलत राम जी बोल रहे हैं। है? नमस्ते सेठ दौलत राम जी। अजी यहाँ आके नमस्ते कीजिए। नमस्ते सेठ दौलत राम जी। आपने कई दफा कहा है ना कि आप हमारा काम करना चाहते हैं। ये सर अनक, मेरा मतलब सेठ जी जी, क्या कहा, कार भेज रहे? अजी कार की बेकार तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? मैं छुटकियों में आता हूँ आपके पास। जी हाँ जी हाँ, नमस्ते। कहाँ जा रहे पिताजी? एक ही ठोक दिया। अरे बेटी सुन, चलो हो गया, कुंवारी कन्या सामने आए, जहाँ जाओ फतह पाए, बन गया काम। ऐसा भी क्या काम पिताजी? आकर बताऊंगा बेटी, ऐसा मुश्किल हाथ में आ रहा है कि अब ऑफिस में बैठ कर मक्खियां मारने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार 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 सेठ जी। बस बस बस, आप वकीलों की लंबी नमस्कार भी उस तरह की धार से कहीं ज्यादा तेज होती है, ये बिन पानी के हजामत कर देती है। सेठ जी, वकील मुझे नहीं बल्कि आपको होना चाहिए था, आपकी दलील की तो अपील ही नहीं है। आप हमारी मिल्क के लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं ना? अगर आप सेवा करने का मौका दें मुझे। अपने लाखों रुपए का व्यापार और उसके दाव पेच आपके हाथ में सौंपने से पहले हम आपका इम्तहान लेना चाहते हैं। क्यों नहीं? और आपकी लियाकत का इम्तहान हमारे पहले ही केस में हो जाएगा। हमारे पार्टनर मिस्टर सत्यनारायण हमसे झगड़ा करके पार्टनरशिप खत्म कर देना चाहते हैं। तो खत्म कर दीजिए। लेकिन पार्टनरशिप खत्म करने के साथ हमें उनकी पूंजी की मूल रकम और मुनाफे में से लाखों रुपए का हिस्सा जो देना दरकार है। सेठ जी, तब तो इस कानूनी सलाहकार को तनख्वाह देना ही बेकार होगा ना। अकाउंट बुक्स का क्या होगा? अकाउंट्स बुक बिचारी खुद नहीं बोलती है सेठ जी, उन पर जो कुछ लिखकर बुलवाया जाता है वो आवाज आती है। हो सकता है कि सत्यनारायण जी को लाखों रुपए देने के बजाय लाखों रुपए उनसे लेना निकल आए, तब तो आप मानेंगे कुंदनलाल एडवोकेट का कमाल। लेकिन कहीं ये कमाल आप हम ही पे इस्तेमाल करके हमारी छुट्टी ना कर दें। आओ मेरे पास। क्या कह रहे थे तुम? हम लोग कलाई करते। टूटे फूटे बर्तन भी ठीक करते। और माई कलाई तो मैं ऐसी चढ़ाता हूँ कि एक बार चढ़ा दूँ ना तो फिर उम्र भर नहीं उतरती। तुम भी करा लो, तुम्हारे बर्तन चांदी के जैसे चमका दूंगा। कितने पैसे लोगे? ये तो अपन बर्तन देख के बोल सकते हैं। बर्तन अंदर रखो। तुम यहाँ ठहरो, मैं लाती हूँ। ये एक एक दो दो बर्तन क्या लाते हैं आप? पहले सौदा तो तय कर लो। अरे एक एक दो लाएंगे तो कैसे सौदा तय करेंगे? सब सामान लेकर आओगे तो सब पैसा साथ में बताऊंगा। अच्छा लाती। ये रहे सारे बर्तन। वाह वाह वाह, अब बात बने ना। अब कर भाता। साढ़े पाँच सौ रूपए होंगे। साढ़े पाँच सौ रूपए? ये तो पचास रूपए भी नयों की कीमत नहीं थी। अरे माई, ये तुम्हारी दादी के जमाने के बर्तन है, वो जमाने में सस्ते होंगे। इनका थोकड़ा देखा क्या? ये सामने से खुला हुआ, पीछे से काला। देखो ये कैसा है, ये देखो इसका पीछे का दरवाजा ही खुला हुआ है। ये बर्तन है, एक मारे बर्तन तोड़ क्यों रहा है? अरे तोड़ता इसलिए ताकि जुड़ेंगे। एक काम करो माई, तुम ये पुराने बर्तन वालों की दुकान है ना, वहाँ लेके जाके उसको बेचो और मिठाई खरीद के लाओ। ऐसा काम करके हमको अपना नाम नहीं खराब करना बाबा। न जाने किस मनुष्य की शक्ल देखी सुबह सुबह। क्या कहा? अरे दुनिया में और भी तो मनुष्य होंगे। अरे ठहरना चुरन, बता क्या चीज मारी? बड़ा कंगाल घर था, उस घर में तो कुछ भी नहीं मिला। सच? सच्ची तेरे सर की कसम, कुछ भी नहीं मिला। सच? सच्ची। कोई बात नहीं, फिर अपन किसी दूसरे घर से मार लेंगे। हाँ चल चल। कहीं से अलार्म की आवाज आ रही है। वो उस घर से आ रही। उधर से? तो चल वहीं से घड़ी मारेंगे। चल।
चूरन, घंटी की आवाज आ रही है। घंटी मेरी? ये क्या, ये क्या? मेरे से चोरी? पार्टनर से चोरी? ठीक है, ये ले घड़ियाल, आज से तेरी मेरी पार्टनरशिप बंद, कंपनी बंद। ए पुरन, गलती हो गई, माफ कर दे। हाँ ठीक है, तो फिर मार तमाचा। अरे अपने आप को मारना, मेरे को क्या मारती है? अगर तू मर्द होती ना तो मैं खुद मारता तेरे को। तो मार। मारू? मार। मारू? मार, मार। मारू? मार। चूरन, चूरन, चूरन। पिताजी आप ऑफिस नहीं गए आज? अब ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? दौलत राम से मैंने भागीदारी खत्म कर दी। क्या हुआ पिताजी? दौलत राम इतना लालची और स्वार्थी आदमी होगा ये मैं नहीं जानता था। बेचारे मजदूरों का बोनस मारना चाहता है और मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। अब तुम ही बताओ बेटी, जिस आदमी का कोई आदर्श न हो उसके साथ मेरा कैसे निभा हो सकता है? आपने ठीक ही किया पिताजी। बस इसी सिलसिले में वो जो अपने वकील कुंदन लाल जी है ना, उनके पास जा रहा हूँ। अच्छी बात। सत्यनारायण जी, क्या बात है मुंशी राम, मछली अपने आप जाल में आ रही है। आइए आइए। नमस्ते। आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए। आपने क्यों तकलीफ की? आपने खबर भेज दी होती तो मैं खुद हाजिर हो जाता बंगले पर आपके। भाई जरूरत मेरी है इसलिए मैं ही चला आया। फरमाइए क्या हुक्म है? बात यह है कुंदन लाल जी, जी मैंने सत्यनारायण दौलत राम कॉटन मिल से अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी और जब अपने मुनाफे और पूंजी की रकम मांगी तो उल्टे दौलत राम ने मुझ पर 4 लाख रुपए की देनदारी का लेटर भेज दिया। ये देखिए। कलयुग है सेठ जी, कलयुग। कल के दोस्त आज दुश्मन बन रहे हैं। सेठ साहब आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। दौलत राम अब शायद मुझे अदालत में घसीटना चाहता है लेकिन मैं कोर्ट कचहरियों से दूर रहना चाहता हूँ। ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ, डॉक्टर कहता है रेस्ट करो रेस्ट करो, इसलिए तमाम मामला आपके हाथों में देकर निश्चिंत रहना चाहता हूँ। ठीक है कुंदन लाल जी। जी मैंने सब कागजात आपको दे दिए। ये मेरे पर्सनल अकाउंट की डायरियां, इसमें 3 साल का सब हिसाब किताब है। मतलब इनमें आपके सारे अकाउंट हैं? जी। तो मेरी राय में सेठ साहब इनका आपके पास रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा मतलब है कहीं गुम हो जाए। मुंशी राम जरूरी कागजात हैं, जरा संभाल कर रखना, संभाल कर। तो आप अदालत में नहीं जाना चाहते? जी। तो सेठ साहब आपको अदालत में बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा, बस ऐसा कीजिए कि इस कागज पर आप दस्तखत कर दीजिए। जी। हेलो। हेलो। चाह उस दिन कॉलेज में तुम्हारा प्रोग्राम देखकर मैं तो दंग रह गया। यकीन मानो उस दिन के बाद तुम्हारी तस्वीर हमेशा मेरे सामने रहती है। तुम कोयल की तरह गाती हो और बिजली की तरह नाचती हो। हाँ हाँ, अगर ये पगली की तरह नाचती तो भी तुम्हें ऐसे ही लगता कि ये बिजली की तरह नाच रही है। अरे पगली, और ये तो देखने वालों को भी पागल बना। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है, जो अब तक सदा मुस्कुराता रहा था, हर एक बात पर आह भरने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। उसे भी यकी है तुम्हारी सहेली बला की हंसी है, हमें भी
खबर है उसे भी यकीन है, किसी की तो बनना है आखिर उसे भी बुरा क्या है, घर कोई मरने लगा है कि उससे कोई प्यार करने लगा है। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। किसी और की बात माने ना माने, मगर तुम कहोगी तो वो मान लेगी। किसी और की बात माने ना माने, मगर तुम कहोगी तो वो मान लेगी। जरा अपने बीमार को कुछ दवा दे कि अब दर्द हद से गुजरने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा है, कि उससे कोई प्यार करने लगा है। खामोश क्यों हो? कुछ वजह तो होगी। तुम नहीं जानते? मैं क्या जानूं? वो बात क्या तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो? तुम्हारे मुंह से सुनने का मजा कुछ और ही है। शाम, हाँ, जब दिल में प्यार ही प्यार भरा रहता हो तो उसके सामने जबान नहीं खुलती जिसके लिए दिल बेचैन है। सच है, दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई नहीं। श्याम, ये क्या? अरे, ये कैसी दखियानुसी बातें कर रही हो छाया? ये 20वीं सदी है, इंग्लैंड अमेरिका में कॉलेज के लड़के लड़कियां कितनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं। ये इंडिया है मिस्टर श्याम, भारत की सभ्यता और संस्कृति अलग है। अपने देश में शादी से पहले लड़की को छूने का भी अधिकार नहीं। ओह कम ऑन, आओ ना श्याम। नहीं विमला, मैं अपनी गाड़ी लाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय। पिताजी, ये सब क्या है पिताजी? क्या बताऊं बेटी, हम तो बर्बाद हो गए। आखिर हुआ क्या? होना क्या था, हमारे मालिक शेर दौलत राम जी और आपके पिताजी के बीच में मुकदमा बाजी हुई। शेर दौलत राम जी मुकदमा जीत गए। जीत शेर दौलत राम की नहीं हुई है, ये झूठ की जीत हुई है, अन्याय की जीत हुई है। कौन हो तुम और आप कौन है, है? हम दौलत राम जी के आदमी हैं और हम सच्चाई और ईमानदारी के आदमी हैं, समझे? शेर दौलत राम जी रोटी खाते हो और उनके आदमी को आंखें दिखाते हो। सेठ दौलत राम रोटी देता है काम के लिए, चुपचाप उसका अत्याचार सहने के लिए नहीं। अदालत ने फैसला किया है
कि आप हमारे मालिक सेठ दौलत राम जी के देनदार हैं, जिसके बदले में आप अपना बंगला अपनी जायदाद हमारे सेठ जी के नाम लिख चुके हैं। मैं लिख चुका हूं? ये झूठ है, ये धोखा है। तुम लोग इस घर की एक चीज भी नहीं छू सकते, समझे? हाँ, नहीं छू सकते। क्या करोगे तुम? दिखाएं हम क्या करेंगे। इनसे बहस करने से क्या फायदा? ये बेचारे तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। चल बेटी। मैं इस घर से बाहर हूं, हमेशा के लिए बाहर। चुप हो जा, चुप हो जा। आप लोग को कमरा नंबर 502 में ले जाओ। प्रकाश जी, कल वक्त मिले तो आ जाना, वकील के पास जाना है। जी जरूर आ जाऊंगा। पूरन। हाँ चूरन। अरे यार, खाने पीने का तो तू रोज इंतजाम करता है, आज कुछ सोने का इंतजाम करना। आ जा, मेरे मांडी पे सो जा बस। अरे ये सोने का नहीं, सोने के माल का, मेरा मतलब है सोने की अंगूठी या सोने का हार। चल सोने का हार ही दिला दे। तू क्या समझती है, पैसे झाड़ पे लटकते या मेरे पास कोई जादुई चिराग है? जादुई चिराग नहीं तो क्या, जादुई दिमाग तो है। बहुत शाणी है तू, अच्छा चढ़ाती। अरे सोचने दे। चल बनारसी जनरल स्टोन फुग्गे वाला जनता ज्वेलरी, उधर कहाँ देख रही, यहाँ देख। चल फुग्गा खरीदेंगे। मेरे को फुग्गा नहीं चाहिए, मेरे को हार चाहिए। हाँ हाँ, फुग्गे में से हार निकलेगा जानू। चल लीजिए, आइए बहन जी आइए, क्या चाहिए आपको? हमें फुग्गे चाहिए, फुग्गे। एक मिनट एक मिनट, आपकी मदद फुग्गे आपके पास? जी है, रंग बिरंगी है। फुग्गा नहीं जहाँ जी। हाँ रे देता हूँ, बैठ जा। कितने फुग्गे आपके पास? जी फिलहाल तो 500 होंगे, आपको चाहिए कितने? 5, 10 या 15? 1500। ओए राम राम राम, बाबूजी आपके क्या इतने बच्चे हैं? हमारे कोई बच्चा नहीं है, हम तो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं। इसलिए फालतू बच्चों को भी अपने बच्चे समझते हैं। बड़े दयालु हो, बड़े दयालु हो। अच्छा आप एक काम करो, हुक्म कीजिए, आप 500 फुग्गे अभी दे दो। 1000 फुग्गे आप कल तक मंगा के दे सकते हैं? जी आज ही एक घंटे में मंगा देता हूँ, या तो आप खुद आ जाइए या किसी नौकर को भेज दीजिए। ठीक है ना जानू? मेरे को क्या मालूम, मुझे हार से। हार ही देता हूँ। ये लीजिए 500 का डिब्बा। इनके क्या दाम है? अजी मैं आपको एक के भाव से नहीं, थोक के भाव से दे रहा हूँ, 1500 के सिर्फ 25 रुपए। बस बस 25? जी तो ये लीजिए पूरे 25 के 25, 1500। अब कितने बाकी रहे? 1000। 1000? अरे 1000 बाकी रहे। जी क्या नाम है आपका? जी बनारसी दास वर्ल्ड मथुरा प्रसाद। माँ का नाम काशी? जी समझिए जी। सुनिए जी बनारसी दास जी, हाँ जी 1000 बाकी। 1000 कल तक आप देंगे? 1000। 1000 आप बाकी? पूरे 1000 कल तक आप देंगे? एक घंटे में। डार्लिंग तुम हीरे के जेवर मत खरीदो, तुम्हारे पास बहुत है और यहाँ तुम्हें सब पुरानी डिजाइनें मिलेंगी। अच्छा डार्लिंग, मैं सोने के जेवर खरीदूंगी। अरे देखो तुम इतनी जल्दी क्यों करती हो, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, वहाँ से तुम्हें कई हार ला के दे दूंगा। मैं कहूँ साहब, हमारे यहाँ भी कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, इन्हें भी देख लीजिए। तो आइए आइए। ये ऑटो की नीयत कभी जेवर से नहीं भरेगी। मैं कहूँ क्या बढ़िया हार है, जरा इसे देखिए, देवी जी के गले में तो और भी चमकेगा। अरे गले पड़ गई तभी तो मैं आया हूँ।
कैसा है? ठीक है, चलेगा। क्या नाम है इसका? आपके लिए सिर्फ 1111 रुपए। ये 111 ऊपर क्यों? आप दाम ज्यादा बोलते हैं। तो फिर कितना देना चाहिए? 1000 रुपए ठीक है। क्या बोलते हो भाई? अच्छा, आप 1000 ही दे दीजिए। ओहो, गड़बड़ हो गई। क्या हुआ जानू? वो पैसे नहीं लाया। वो तो जानू, चेक दे दो ना। ओहो, चेकबुक भी तो फ्लैट में है ना। अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं जाके चेकबुक ले आता हूँ। अच्छा याद आया, आप ये बनारसी दांत को जानते हैं? ये वो बनारसी दांत? अजीब सवाल है। मैं कहूँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? वो तो हमारे बरसों के दोस्त हैं। अच्छा, वो आप उन्हें जानते हैं? जी। सुनिए, अगर वो आपको 1000 रुपया दे दे जी, तो चलेगा ना? जी बिल्कुल चलेगा। एक मिनट। अरे बनारसी भाई, क्या कहा बाबूजी? अरे बनारसी भाई, आप मेरे कितने बाकी है? क्या मैं बोल रहा था कि आप मेरे कितने बैलेंस बाकी है? जी 1000। हाँ तो आप वो 1000 इनको दे देंगे? जरूर दे दूंगा। आप भूलेंगे तो नहीं? जी नहीं, मैं जबान का बहुत धनी हूँ। आपको मिल जाएगी पैसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न कीजिए, मैं उनसे ही ले लूंगा। ये लीजिए, पैसों में क्या रखा है? पैसों को तो कुत्ता भी नहीं पूछता। जानू और कुछ तो नहीं चाहिए? कान के बुंदे, नथनी? तुम्हारे हवाई जहाज का टाइम हो रहा है, चलो स्टेशन। राम जी की मुंशी राम जी, वो लाला मूलचंद के धोखाधड़ी वाले केस के लिए गवाह तैयार है? तैयार कर रहा हूँ जी। तैयार कर रहे हो या अपनी जेब भर रहे हो? वकील साहब आप ये क्या कह रहे हैं? सत्यनारायण जी। अच्छा तुम जाओ और मैं बुलाऊं तभी नहीं आना। मैं जाऊं। जाओ। नमस्ते कुंदन लाल जी। नमस्ते। ओ आप, ये कौन? प्रकाश, मिल में काम करता है। अच्छा होगा तुम जरा बाहर बैठो। आप बैठे, आप बैठे। फरमाइए, कोई खास बात है? आज मैं जरा बहुत बिजी हूँ, मुझे दम मारने की भी फुर्सत नहीं है। कुंदन लाल जी, आपके मेरे घरेलू ताल्लुकात हैं। मेरी बेटी आपकी बेटी जैसी है, आज उसे सर छुपाने का ठिकाना नहीं मिल रहा। अच्छा तो आप अपने केस की बात कर रहे हैं? मगर सत्यनारायण जी, आप भी कितने लापरवाह आदमी हैं। केस मुझे देकर चुपचाप घर बैठ गए और मैं खत पर खत लिखता रहा, मगर एक का भी जवाब दिया होता आपने। खत? मुझे आपका कोई खत नहीं मिला है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुंशी राम, मुंशी राम। मुंशी जी तो कचहरी चले गए। कुंदन लाल जी, मैं आपके भरोसे निश्चिंत बैठा रहा और दौलत राम को डिग्री मिल गई, वो मेरे मकान पर जब्ती ले आया। सत्यनारायण जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ दौलत राम ने अपने पैसे के जोर से चपरासी, क्लर्क वगैरह सबको फोड़ लिया। ये सब सोचने से अब कोई फायदा नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी जानकारी आपको न हो ये नामुमकिन है। आपका मतलब ये सब मेरी जानकारी में हुआ? सेठ साहब, आप मेरा ही नहीं मेरे पेशे का भी अपमान कर रहे हैं। मैं आपका किसी का अपमान करना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आप पर विश्वास करके अपना मुकदमा आपके हाथों सौंपा और आपने मुझे धोखा दिया। क्या मैंने आपको धोखा दिया? सत्यनारायण जी, अगर मैं इतना बड़ा कमीना होता तो सेठ दौलत राम मुझे अपना कानूनी सलाहकार हरगिज नहीं बनाते। क्या आप दौलत राम के कानूनी सलाहकार? अरे कुंदन लाल, चंद रुपयों की लालच में तूने मेरा सत्यानाश कर दिया, मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस बस, बहुत बोल चुके आप। कुंदन लाल, इंसान शायद तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये भी सुन लिया। जाओ यार कुंदन लाल, मैं बहुत बिजी हूँ। कुंदन लाल, क्या हुआ बाबू जी? क्या हुआ? कुछ नहीं,
बाबूजी। ओह विमला। बाबूजी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटी सुखी रहो, दुख की कभी परछाई भी ना पड़े तुम पर। आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? तबीयत बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा हूँ बेटी, बिल्कुल अच्छा। बाबूजी, हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट वकील भी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, उनके पास क्यों न चलें? अब कुछ नहीं होगा प्रकाश, जितने जरूरी कागजात थे मैंने कुंदन लाल को दे दिए और उसने मेरे साथ गद्दारी की। प्रकाश, मुझे अपने भविष्य का कोई दुख नहीं, मेरी भोली भाली बेटी का क्या होगा, मेरी छाया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या बात, बाबूजी क्या हुआ, बाबूजी, बाबूजी। अब दुनिया तुझसे करेगी क्या बर्ताव, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, जिंदगानी के लंबे सफर में अब अकेले ही चलना पड़ेगा। पांव जख्मों से कैसे बचेंगे, लाख काटे हैं इस रेगुलर में, अब अकेले ही चलना पड़ेगा। तुझको गोदी जिसने खिलाया, आज सर से उठा उसका साया, तुझको गोदी में जिसने खिलाया, आज सर से उठा उसका साया, आज तू जिस कदर है अकेली, उतनी तन्हा न थी उम्र भर में, तन्हा न थी उम्र भर में, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, जिंदगानी के लंबे सफर में अब अकेले ही चलना पड़ेगा। और कितने दिन यहां बैठेंगे आप? आपके रोने से बाबूजी वापस लौटकर तो नहीं आने वाले, चलिए चलिए ना। ये भयानक अंधेरों की दुनिया, कातिलों और लुटेरों की दुनिया, ये भयानक अंधेरों की दुनिया, कातिलों और लुटेरों की दुनिया, कौन है नगर में, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, जिंदगानी के लंबे सफर में अब अकेले ही चलना पड़ेगा,
अब अकेले ही चलना पड़ेगा, अब अकेले ही चलना पड़ेगा। कौन है? मैं इस होटल का मैनेजर हूँ। अंदर आइए। गुड मॉर्निंग, आपको नौकरी की तलाश है ना? इसी सिलसिले में बात करने आया था। दरअसल बात यह है, मैंने आपकी इसी जरूरत के बारे में एक बहुत बड़े आदमी है उनसे जिक्र किया, अगर आप उन्हें जंक जाएं, तो न जाने वो कहां से कहां पहुंचा दें आपको। धन्यवाद, मैं मिलूंगी उनसे। अजी आप क्यों तकलीफ करेंगी, इतनी तो अपनी भी चलती है, आप आराम से बैठी रहें, मैं उन्हें यहीं भेजता हूँ। नमस्ते, बैठिए। मैनेजर ने सब बता दिया है, आपकी तकलीफ बताई, आपकी जरूरत बताई, काम की जरूरत बताई। यहाँ बैठिए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको देख के तो कोई भी काम दे देगा। मेरा ख्याल है कि आज तक आपने कभी काम किया ही नहीं। जी नहीं, मैं बीए कर रही हूँ। अब बीए हुई तो समझे, आजकल तो नौकरी में पास को भी नहीं मिलती। मगर तुम्हारी बात पूछो, तुम्हारे लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। दरवाजा तो बंद करो। क्यों? कोई देख लेगा अच्छा नहीं लगता। बदमाश, उठो, मैं कहती हूँ उठो, चलो बाहर, गेट आउट। ठीक है ठीक है, नाराज क्यों होती? गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो मेरी जान, अगर अपना मामला जम गया तो नौकरी वोकरी की कोई जरूरत नहीं, अपने पास बड़ी दौलत है, इधर आओ मेरी जान। पागल कुत्ते, भौंकना बंद कर, नहीं तो जबान खींच लूंगी। तू समझता है औरत की इज्जत बाजार में बिकने वाला खिलौना है जिसे तू अपनी दौलत से खरीद लेगा? दौलत से दुनिया खरीदी जा सकती है। छोड़ दे मुझे कमीने, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। जी ऐसी जगह पे तो रहना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप कहाँ जाएं? कहीं भी। प्रकाश जी, मेरा एक काम करोगे? जी। मेरी सहेली विमला के पास मेरा खत पहुँचा दो। जी जरूर। जब तक वो नहीं आएगी मैं तुम्हारे घर रहूंगी। जी मेरे घर? हाँ सच कहा है किसी ने, जब समय बुरा आता है तो अपना साया भी सांप बनकर अपने को ही डसता है। ये लड़का कभी अपनी माँ की बात मानता ही नहीं, जब से मेरे कालीचरण भैया ने शादी करके घर बसाया है मैं यहाँ अकेली हूँ, मौत मेरे सर पर खेल रही है। रोज प्रकाश से कहती हूँ बाबा मुझसे घर का काम काज नहीं होता, शादी कर ले और बहू ले आ, मगर कोई फायदा नहीं, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, रोज किसी अरु गैरू नट्ठू खैरू को ले आता है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, आने वाले भी ये नहीं सोचते के किसी पर बोझ क्यों बने, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बैठिए बैठिए, आप माँ की बातों का ख्याल न कीजिए, वो कुछ न कुछ कहती ही रहती है,
मैंने आपकी चिट्ठी विमला जी को दे दी है, वो भी आते ही होंगे। आप सोच क्या रही है, माँ की बातों का बुरा तो नहीं मान गई? नहीं नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। ये तो दुनिया का रिवाज है कि लहर आएगी किनारे को, नदी जाएगी समंदर को और औरत जाएगी किसी मर्द के घर को। जब मैं प्रकाश से कहती थी ब्याह कर ले तो मुंडिया हिलाया करता था, अब अचानक इसे ब्याह का ख्याल आ गया है। ना पूछना ना गुछना सजी दजी गुड़िया को लेकर घर में आ गया है। होटल बंगलों में रहने वाली परकटी परी झोपड़ी में रहेगी क्या? आने वाला भी वे शर्म बुलाने वाला भी। चुप रहो, बहुत हो गया। पिताजी के मरने के बाद ये हमेशा इसी तरह बकबक करती रहती है। मैं कोई सपूत की रोटियों की मोहताज नहीं, मेरे कालीचरण भैया के घर जाके रह जाऊंगी। यहाँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर। माँ गई चूल्हे में, अभी सम्मा को घर में ले जा और गुलछर्रे उड़ा। प्रकाश अपनी माँ को रोको। आप फिक्र न कीजिए, वो खुद ही लौट आएगी। मेरे लिए माँ बेटे में झगड़ा ठीक नहीं, मैं ही जाती हूँ। सुनिए तो, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। और फिर आपको विमला जी से भी तो मिलना है। मुझे रोका तक नहीं, फूटे मुँह ये भी नहीं कहा कि माँ तू मत जा। आज अगर प्रकाश का बाप होता तो क्या चुप रहता? मरते वक्त उसने ये नहीं कहा था कि प्रकाश अपनी माँ का ख्याल रखना, मगर वो भूखा है बेचारा बछड़ा। बेटे की भूख को माँ ही समझ सकती है। मेरा प्रकाश भी भूखा होगा, मैं भी कैसी हूँ, रोटी बना करके भी नहीं आई। चलो चल करके रोटी बना के तो रख दूँ, लेकिन बना करके भी क्या फायदा, जब तक खुद परोसूंगी नहीं खाएगा भी नहीं। मरते वक्त प्रकाश के बाप ने नहीं कहा था कि प्रकाश की माँ प्रकाश बहुत नादान है, इसका ख्याल रखना। और ये भी तो कहा था कि गोमती ये घर तेरा है तो फिर अपना घर छोड़ के मैं क्यों जाऊँ, जाना है तो वही जा। माँ अगर तू ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चली गई तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? ये पूछ तेरे बाप से। चाहे जी, हमारे घर का तो बाबा आदम ही कुछ निराला है। यहाँ की रीति रिवाज, रहन सहन का ढंग देखते हुए आपको अजीब सा लगता होगा और कभी कभी तो नफरत भी होती होगी। किस्तों से पेट भरता है, किस्तों से नहीं। ला मुझे कुछ पैसे दे, बाजार जाके सामान लाऊं और रोटी बनाऊं। मेरी प्यारी माँ। चल चल, मुझे उल्लू मत बना। कैसी लड़की है ये, दोपहर से कुछ खाया ही नहीं, रसोई में सूखी रोटी पड़ी है, तू तो खिला दे इसे, कौन जाने कब से भूखी है बेचारी। दरअसल एक ही जमीन पर रहते हुए भी हमारी दो अलग अलग दुनिया है। आपकी दुनिया बहुत ऊंची है और हमारी उससे कहीं नीचे, और आपको अपने ही लोगों ने उस दुनिया से निकाल कर इस दुनिया में फेंक दिया है। खुली हवा की अपनी दुनिया से इस अंधेरी दुनिया में आकर आपको घुटन सी महसूस होती होगी, और इस मकड़ी के जाल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। विमला जी आइए आइए, बैठिए बैठिए, आप दोनों बातचीत कीजिए, मैं अभी आता हूं। छाया, मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम कहां हो। प्रकाश ने तुम्हारा हाथ लाकर दिया तो पता चला कि तुम यहाँ हो। मैंने श्याम को भी खबर कर दी, वो अभी आता ही होगा। विमला, अब तुम दोनों के सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? तुम यहाँ कैसे रहती हो छाया? और क्या करती, सोचा यहाँ रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। और विमला, जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता मैं तुम्हारे घर रहूंगी। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन लेकिन क्या बात ये है, मेरे पिताजी की मर्जी नहीं। क्या, तुम्हारे पिताजी की मर्जी नहीं? हाँ छाया,
मेरे पिताजी सेठ दौलतराम के कानूनी सलाहकार बन गए हैं। अगर तुमने अपने घर में जगह दी तो पिताजी को अपनी नौकरी छूट जाने का डर है। यहाँ मिलमजदूर प्रकाश कहाँ रहते हैं? आप छाया देवी से मिलना चाहते हैं? हाँ। आप सीधे चले जाइए और आखिरी मकान। और सुनिए, मेहरबानी करके तमीज से बात करना सीखिए। ये क्या विमला, तुम मुझे तसल्ली देने आई और खुद रोने लगी? मेरा दुख सुनते ही तुम दौड़ी चली आई, यही बहुत है मेरे लिए। छाया, ऐसा करो, कोई अच्छा सा कमरा किराए पर ले लो, उसके लिए जितने रुपए की जरूरत होगी मैं दूंगी। नहीं विमला, मैं कहीं भी अकेली नहीं रहना चाहती। तुम नहीं जानती कि एक औरत के लिए इस दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है। आओ श्याम। पिताजी के अचानक मर जाने की बात सुनकर मेरे तो होशो हवास उड़ के छाया। बैठो श्याम। लेकिन छाया, तुम यहाँ कैसे चली आई? मैंने तो सोचा था तुम विमला के घर होगी। यहाँ आने से तो अच्छा था तुम किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर चली जाती। क्यों विमला? मेरे एक ही रिश्तेदार मेरे पिताजी थे, वो भी भरी सड़क में अनाथ की तरह मर गए। अब तो तुम दोनों ही मेरे लिए सबसे नजदीक हो, सच्चे हमदर्द हो। जैसे तुम दोनों कहोगे मैं करूंगी। श्याम, छाया को मैं अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं अपने पिताजी की वजह से मजबूर हो गई। अब तुम अकेले ही इसका सहारा हो, इसे धीरज बंधाओ, तसल्ली दो। जाओ श्याम, सारी बातें कर लो। भगवान ने बड़ा न्याय किया है तुम्हारे साथ छाया। क्या गुजर रही है मेरे दिल पर ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। लेकिन छाया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। मेरी जान भी हाजिर है, कहो क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मैं क्या कहूं, जो भी कहना है अब तुम्हें कहना है। मैं सिर्फ तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी श्याम। अब अगर मुझे आज्ञा देने का अधिकार किसी को है तो वो तुम्हें है, सिर्फ तुम्हें। मतलब? मैं समझा नहीं। क्या तुम मुझसे कहलवाना चाहते हो कि हमारी मित्रता में, हमारे मिलन में प्रेम की एक ही भावना पनप रही थी? कौन सी भावना? नहीं समझे? ओह, कितने भोले हो तुम श्याम। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? नो नो, ये कैसे हो सकता है श्याम? छाया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त। I'm just a boyfriend। श्याम। हाँ छाया, मदद हमदर्दी ये मेरा फर्ज है, लेकिन वो भी एक हद में रहकर। मोहब्बत, शादी, ये बातें इस मदद की हद में हरगिज नहीं आती। ये क्या कह रहे हो श्याम, मैं आज तक क्यों नहीं समझी तुम्हें? छाया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ये सच है। हम कई बार मिले, हमने आपस में बातें की, लेकिन वैसे तो हम कितने ही लोगों के साथ मिलजुल कर वक्त गुजारते हैं। ये तो एक फैशन है, फैशन और शादी दो अलग अलग चीजें हैं। छाया, मैं जानता हूँ तुम बेसहारा, और अगर तुम इसकी वजह से चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूँ तो। बस बस, बहुत बोल चुके। मैं अच्छी तरह समझ गई कि तुम्हारे प्रेम का आधार मैं नहीं थी, मेरा प्यार नहीं था, मेरा धन था, मेरी दौलत थी। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। I'm sorry छाया, मुझे अफसोस है। हो गई सारी बातें? सब हो गई। लीजिए, चाय पीजिए। लीजिए, माफ कीजिए, मैंने आपकी बातों में दखल दिया। ठहरो प्रकाश,
तुमने अभी अभी कहा था ना कि हमारी दो अलग अलग दुनिया है। हमारी उस ऊंची दुनिया में मेरे दो ही सच्चे साथी हैं। ये है विमला देवी जो अपने पिताजी की मर्जी पर चलती हैं, और ये मिस्टर श्याम जिनसे मैंने प्रेम किया और जिनसे मैं शादी करना चाहती थी। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ प्रकाश, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? ये क्या श्याम, तुम अभी तक ये तय नहीं कर सके कि छाया कहाँ रहेगी? ठहरो विमला, अब उसका फैसला मैं खुद करूंगी। प्रकाश जी, मेरे यहाँ रहने से तुम्हें असुविधा तो नहीं होगी? जी नहीं, असुविधा तो आपको होगी। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आप ऐसे मामूली घर में रहें, लेकिन और कोई जगह नहीं तो आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं। आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। आज तक इस दुनिया में किसी ने मेरी मदद नहीं की और मुझे किसी की मदद की जरूरत भी नहीं। मैं आसरा नहीं मांगती, सहारा नहीं मांगती, अधिकार से यहां रहना चाहती हूं। प्रकाश, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ठीक है, कह रही हो ये जोश में आकर कह रही हो या होश में? शादी का मतलब जीवन भर का बंधन होता है, जन्म मरण का साथ होता है। सच है विमला, लेकिन आज तक मैंने हर बात में धोखा खाया है, यहाँ तक कि प्यार में भी। भले ही प्रकाश के पास धन दौलत या रुपया पैसा ना हो, अपने परिवार की देखभाल करने की शक्ति तो है उसमें। अच्छा विमला, मैं जाता हूँ। ठहरो श्याम, तुम मेरे लिए जान देने को तैयार हो, तुम्हारे सामने ही मेरे भविष्य का फैसला हो जाए तो अच्छा है। क्यों प्रकाश, आप एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया, मेरा फैसला अटल है। जैसे आपकी इच्छा। शाम, अब तुम जा सकते हो। विमला, तुम्हें लगा होगा कि मैंने ये फैसला जल्दबाजी में किया है, पर ये फैसला गलत नहीं है। आशा है तुम मुझे जरूर समझोगी। छाया। विमला बेटी, आज तूने खाना क्यों नहीं खाया है? तेरे पेट में तो चूहों की पलटन दौड़ रही होगी। आप मेरी फिक्र ना कीजिए बाबूजी। तेरी फिक्र नहीं करूंगा तो और किसकी फिक्र करूंगा बेटी? आप अपनी कमाई की फिक्र कीजिए, सेठ दौलतराम को खुश रखने की चिंता कीजिए। मैं इस घर में आपकी मर्जी की गुलाम हूँ। मैं अपनी सहेली के दुख नहीं बता सकती, उस बेसहारों को सहारा नहीं दे सकती। अच्छा, तो तू छाया के बारे में कह रही है? देखो बेटी, तुम चाहो तो इस घर को अनाथाश्रम बना सकती हो, रास्ते के सारे भिखारियों को इस घर में जमा करके उन्हें खिला सकती हो, पिला सकती हो, लेकिन वो लड़की छाया इस घर में नहीं रह सकती, वरना सेठ दौलत राम नाराज हो जाएंगे बेटी। दौलत राम, आपने और दौलत राम ने मिलकर छाया की खिलती हुई जिंदगी उजाड़ दी। बेचारी अब एक मजदूर से शादी कर रही है, जानते हैं क्यों? दुनिया में जिंदा रहने के लिए। सेठ सत्यनारायण जी की बेटी एक मामूली मजदूर से शादी कर रही है? शर्म आनी चाहिए बेटी, शर्म आनी चाहिए। शर्म उसे नहीं, मुझे आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। विमला, मैं कैसे छाया को तसल्ली दे सकती हूँ? कौन सा मुंह लेकर उसकी शादी में जा सकती हूँ? मेरे बनने की बातें भाभी, किसी ने सच कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। प्रकाश से कहा करती थी ब्याह कर ले तो मना करता था, अब हुआ है तो चट मन्नी पट गया। ये कैसा ब्याह है जिसमें न ले न दे न बारात न बाजा? अरे बाजा बजा के कौन सी चढ़ाई करनी है, कालीचरण भैया के ब्याह पर मेरे बाप ने भी कर्जे ले लेके बाजे बजवाए थे, और कर्जा भरते भरते ही उनका दम निकल गया। कहते हैं जितनी चादर हो उतने पांव फैलाओ। हाँ, बुद्धि घास चरने गई है मेरे भांजे प्रकाश की, देखो ना अनाथ लड़की से शादी कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो कालीचरण? अरे भैया, नसीब से मिलती है ऐसी लायक लड़की। बड़े भैया, शादी के बाद पता चलेगा लायक है कि ना लायक।
क्या बात है मामा जी, शादी के मंडप में भी शुरू हो गए आप। अरे भाई मामा ही ठहरा ना, पता लगा लिया था कि शादी की शुभ घड़ी में कितनी देर है। अच्छा। मामा जी बस अब तो अपने प्रेसिडेंट श्री काशीनाथ शुक्ला जी के आने की देर है। ओहो, वो अपने यूनियन के नेता शुक्ला साहब, वकील साहब। आहा, क्या जमाना आ गया है भाई, शादी विवाह बिना नेता के नहीं होते। वो आ गए, आइए जी आइए। भाई मुझे देर तो नहीं हुई? आप बिल्कुल वक्त रहे। बैठो बेटी। नमस्ते। लो बेटी ये हार लो, अब एक दूसरे के गले में डाल दो। अरे मजदूरों की शादी पे फैक्ट्री के भोंकों से अच्छा शगुन और क्या होगा बेटी, डाल दो हार। लो प्रकाश बेटा ये मंगलसूत्र पहना दो इनके गले में। हमारी यूनियन की तरफ से प्रकाश भैया और छाया देवी के लिए भेंट। बड़ों ने कहा है कि खानदान देखकर बेटी दो और लड़की का मन देखकर बहू बनाओ। अरे उठ के बहू के पास खड़ा हो। बहू थोड़ा घूम जा, घुमाना इसे। आ हा हा हा, सांच को आज नहीं, मेरी बहू बहू नहीं गुड़िया है गुड़िया। बहू मैं बुढ़ी हूँ, आज मरी कल दूसरा दिन। ये मेरा बेटा थोड़ा उल्लू है, ऊंट की तरह मुंह उठाकर किधर भी चल देता है। कभी कभी तो रात रात भर घर को नहीं आता। सवेरे यूनियन की मीटिंग, शाम को मजदूर सभा, घर लौटने की फिक्र ही नहीं। अब रस्सी बांध कर रखना इसके पैर में। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं, बहू जो सुंदर है। कहते हैं दिन भर बड़बड़ करो तो काम बिगड़ता है और रात भर बड़बड़ करो तो नींद बिगड़ती है। चलो सो जाओ। अम्मा आज बाहर बहुत सर्दी है, तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। अच्छा तू बाहर सोएगा, ले सो जा, मैं सोऊंगी बहू के पास। खैर मन में कुछ, जबान पे कुछ। रानी तू अंदर आ, अम्मा तू बाहर जा, ला मेरा बिस्तर। अरे उल्लू आज मैं इतनी खुश हूँ कि बर्फ के ढेर पे सो जाऊं तो भी कुछ ना हो। पगला कहीं का, पिया की पहली रात और कहता है मैं बाहर सोऊंगा, जैसे मैं कुछ समझती ही नहीं। अरे जवानी में इसका बाप तो सूरज डूबने से पहले ही घर में घुसता था और सूरज सर पे चढ़ जाता था तब उठता था। पड़ोसियों को मुंह दिखाते शर्म आती थी मुझे। जल्दी जल्दी मेरे पोते पोती हो जाए तो उनके साथ खेलते खेलते मेरा समय बीत जाए। माँ पोते पोती के लिए बेचैन है, अगर देर लग गई तो माँ बिगड़ जाएगी। ए पार्टनर, मम्मी को इधर जंगल में किधर लेके आ रहे? अरे यार जानू ये जंगल थोड़ी है, तो शहर का दूसरा कोना है, एक जगह रहेंगे तो अंदर हो जाएंगे, तू भी अंदर मैं भी अंदर। लेकिन तू इधर करेगा क्या यार? अपन जुगाड़ खेलेगा। जुगाड़? इधर किसके साथ में खेलेगा? अरे
किस्मत के साथ में खेलेगा। अभी देख पब्लिक के सामने अपनी किस्मत आजमा। ए, क्या करता है ये तो भीख मांग के बराबर। अरे ये रईस लोग है ना, भीख का नया नाम रखे हुए चंदा, और चंदे से दो कौड़ी का आदमी लीडर बन जाता है, अपन भी बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अपने को यार जुगाड़ का बात मजा नहीं आया कुछ। देख जानू आजकल जुगाड़ कौन नहीं खेलता, छोटा खेलता है, बड़ा खेलता, कोई मटका खेलता, कोई सट्टा खेलता, कोई रेस खेलता, कोई जुगाड़ नहीं है यार। है ना, तो फिर ये ले, एक दो तीन ये मान ले और हवा आने दे, समझ गए तेरे को क्या करना। समझ गए। बाटेगा बाटेगा सबको, हम बनेगा मेरे भाई लगाम मेरे भाई, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, खुल गया जैकपॉट। पेट को पकड़ो, राजा पकड़ो, रानी पकड़ो, पत्ता पकड़ो, पत्ते में के तकदीर को पकड़ो, उठा मेरे भाई, लगा मेरे भाई, पकड़ लो मेरे भाई, छोड़ मत जाए ना पाए, पकड़ ले, लगा ले, पकड़ ले, लगा ले। एक के दो देगा ना? हाँ देगा, दो तो देगा। तो चल लगा अपना दो रुपया रानी पे। क्या बात है, आज औरत ने औरत पर हमला कर दिया। अरे तुम मूछ वालों से तो ये चोटी वाली अच्छी है, लगा लो माल। एक का दो, दो का चार, आज राजा भी फुटपाथ पर आ गया, लगा ले माल। ए, 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 काल को फाड़ता है गला। अरे मैं आपके लिए तेरा दिल भर दूंगी, चल खोल। खोलो खोल खोल लो। अरे खोलता है क्या नहीं? चल निकाल माल, ले ले ले। हाँ मेरे भाई, उठा मेरे भाई, एक का चार, दो का आठ, छोकरी बहुत गर्म मालूम होती है, अभी तेरे को ठंडा करती। चल चार रुपया लगा अपना रानी पे। अरे आजकल छोकरी लोग का सितारा बहुत जोरों में, सरदार जी कुछ करो, एक का चार, दो का आठ, एक का चार, दो का आठ। ये सब देखने वालों में से है, लेना देना तो दिल वालों का काम है, चल खोल। बात का मामला नहीं तो अंदर हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे को थोड़ा खोलता, चल माल निकाल, माल निकाल, चल फटाफट। लड़की बड़ी लक्की मालूम होती है। चल लगा लगा, फिर से लगा, जल्दी कर। हाँ लगाता है, चलो रहा, ले 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 ले, एक का चार, दो का आठ, चार का बारह, एक का चार, दो का आठ, चला साहेबान, चला साहेबान, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का बारह, आठ का सोलह, एक का दो, दो का चार, एक का दो। ए भाई ये सात रुपए रानी पे। शाबाश, अपने भी आठ रुपए लगा। नहीं नहीं रानी पे भी मालने लगेगा। अरे पैसा नहीं लगेगा, तू क्या तेरा बाप भी लगाएगा। चल बे होशियारी मत कर, अबे लगा ले, फोड़वा देगा, लगा। अरे रानी पे माल नहीं लगेगा, क्या बात है। हां हां मेरा भी तेरे पे लगेगा। तेरा भी रानी पे, मेरा दस, तेरा भी दस, रानी पे, रानी पे, रानी पे, रानी पे। अरे बाप रे, अरे रानी पिला दे सबको पानी। हे भगवान, अगर मैं जीता तो आधा पैसा कमीशन में तेरे को दूंगा। हे काली कलकत्ते वाली ब्रह्मचारी की बेटी, अंदर देव की साली राजा। ये भी बात का है, ये भी बात चाहे। मारो 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 ये सब क्या हो रहा है, कि कुछ भी नहीं। पैसे वापस कर उनके। पैसे किसके पैसे? मैं कह रहा हूँ सबसे पहले उनके पैसे वापस कर। लेकिन मैं, ये तो हमेशा लोगों को फंसाता है, उनके पैसे छीनता है। अरे वो लोग अपनी किस्मत से आ रहे हैं, मैंने उन लोगों को थोड़ी लूटा। तू पैसे वापस देगा कि नहीं? ये पैसे उनको वापस कर दूँ। अभी वापस दे। प्रकाश भाई बात दरअसल ये है कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या है धंधे में मेरा एक पार्टनर है, उसको शायद एतराज हो। तेरा पार्टनर पैसे नहीं लुटाएगा? नहीं। तो फिर चल स्टेशन, चल चलो स्टेशन। अरे ये तेरे को पुलिस स्टेशन ले जाएगा। पुलिस स्टेशन? मैं तो रेलवे स्टेशन समझा था। प्रकाश भाई ये सब लफड़ा क्यों कर रहे हैं, अपने को हराम का माल नहीं चाहिए। पार्टनर जा, जा ये उनको जाके वापस दे, जा अपने को नहीं चाहिए, जा जा भाई लो, ले लो। क्यों रे, तू अच्छा भला हट्टा कट्टा जवान है, कुछ काम कर, धंधा कर। प्रकाश भैया काम तो मैं गधे के जैसा कर सकता हूँ, एक दिन में 48 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन काम मिले तो। तू काम करेगा? हाँ। तो तेरा मिल में काम करवा दूं? अरे अंधा क्या मांगे दो आंख। बस ठीक है, तेरा मिल में काम हो गया। सच? हाँ। और देख अब तुम दोनों बुराई के भागीदार नहीं, भलाई के भागीदार बनो, जुए के पार्टनर नहीं, जिंदगी के पार्टनर बनो, समझा? जो आपकी आज्ञा। हाँ चल, हम लोग जिंदगी के पार्टनर हैं, हम लोग आज से चोरी वोरी सब पूरन। तू खोली में जा, मैं आता हूं। ये क्या देखते नहीं मैं काम कर रही हूँ? काम नहीं, मुंह काला कर रही हो। माजी फंस गए ना। अगर माजी यहाँ होती तो घर इतना शांत होता। झूठ बोलती हो,
जानती हो इसकी सजा क्या होगी? सजा मुजरिम को पूछ कर नहीं दी जाती। सच? अच्छा चलो पहले नहा लो, मेरे लिए भी कोई काम ढूंढ लो ना। ढूंढ लिया है, इस वक्त तो तुम्हारे लिए बस यही काम है। बस बस, इस काम से परिवार चलेगा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या हुआ, ये लो तनख्वाह। चलो पहले माजी के लिए साड़ी ले आए। और ये मेरे लिए? क्यों? सिनेमा देखूंगा। किसकी जरूरत ज्यादा है तुम ही बताओ, सिनेमा की या साड़ी की? सिनेमा की। हाँ? आजकल के सिनेमा देखो तो साड़ी की जरूरत ही नहीं महसूस पड़ती। अच्छा हाँ, इसीलिए हुजूर आजकल ज्यादा सिनेमा देखते हैं। है लूटता है, लेकिन दुकानदार तो दिन दहाड़े ही लूटता है। क्या जमाना आ गया है, आदमियों के खाने की चीज आदमियों को ही खा रही है। झोली भर पैसा दो तो मुट्ठी भर अनाज मिलता है, सस्ता खून महंगा उल्टे बेड की उल्टी बानी, भीगे कंबल बरसे पानी। मेरी बहू दीवानी, फूकने को छोड़कर लकड़ी से फूक रही है। गलती तेरी नहीं है बहू, जब आंखों पर पति के प्यार की धुंधली छाई हो तो फूकनी और लकड़ी में कैसे फर्क नजर आएगा। ये खट्टी चीज खाने को जी जाता था ना, लो। क्या है माँ? वो अकेली खाना, उसको मत देना। कच्चा आम। माँ मुझे आम नहीं दोगे? अरे तुझे खट्टे आम से क्या काम, क्यों मैं आदमी नहीं हूँ? आदमी है तभी तो कहती हूँ। क्या मतलब? बिल्कुल बाप की तरह है, सब कुछ समझाना पड़ता है। सुजा मुने। तो देवी जी माँ बनने वाली? और आप बनने वाले हैं बाप। बिल्कुल ठीक, तो दे दो बेचारे बाप को उसका हिस्सा। अगर मैं इसमें से कुछ दूं तो माजी बिगड़ेंगी, और अगर नहीं दोगी तो मुन्ना बिगड़ेगा। ना वो कभी नहीं बिगड़े। तुम्हारे कहने से क्या फायदा, मुन्ने को बोलने दो ना। इधर आओ। क्या कह रहा है मुन्ना? मुन्ना कहता है कि उसे अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, कि माँ को अपने हाथ से पिता को ये खिला देना चाहिए। अच्छा आ करो। आ आ आ नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, वो छा ने अपनी उंगली काट ली। हाय राम, इतनी पगली है तू, अपनी उंगली काट कर खुद ही हंस रही है ना। काली रैन से आगे जो देश है सुहाना है। तारों की छाँव में, सपनों के गांव में, परियों के संग तुम्हें जाना है। गगन तले पवन चले, ठंडी सुहानी आई रे आई रे, आई हिंडोल लेके नंदिया की रानी।
मजदूर भाइयों, तो खुशखबरी सुनाने के लिए मैंने आज आप लोगों को यहां बुलाया है। पहली खुशखबरी यह है कि जो काम 50 मजदूर 50 दिनों में करते हैं, उसे एक ही दिन में पूरा करने वाली एक नई मशीन मैंने विलायत से मंगाई। इस मशीन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ना तो यह ओवर टाइम मांगती है और ना बोनस। इस मशीन का आज उद्घाटन। दूसरी खुशखबरी यह है कि मैं आप लोगों से उस नौजवान का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं जिसका कि दिमाग इस मशीन को लाने के पीछे था, और इसलिए करा रहा हूं कि यह नौजवान कल से हमारी इस मिल का जनरल मैनेजर होगा, मिस्टर श्याम। मैं बातों में नहीं, काम में यकीन रखता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पूरी मेहनत से इस मिल की तरक्की को चार चांद लगाएंगे। अब मैं सेठ जी की सुपुत्री कुमारी मंजू देवी से अर्ज करूंगा कि वह अपने हाथों से इस नई मशीन का उद्घाटन करें। क्या आपने 400 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया है? ये जुल्म है सेठ जी, सरासर जुल्म। जुल्म? अरे भाई, इतने हजारों मजदूरों में से सिर्फ 400 मजदूरों को निकाल रहा हूँ, इतनी मामूली सी बात को राई का पहाड़ बना देना अच्छा नहीं। आपके लिए मामूली बात होगी सेठ जी, लेकिन उन 400 मजदूरों के लिए, उनके बाल बच्चों के लिए, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। हम पर दया कीजिए सेठ जी। दया? श्याम, 400 बनियाने खरीद कर उन पर हमारी मिलकर नाम छपवा दो और वो इन सब मजदूरों में बांट दो। क्यों, ठीक है ना? ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता सेठ जी। भैया, मैं अपनी मर्जी से नहीं, कानून के हिसाब से चलता हूँ। सेठ जी, कानून एक आग है जो अगर चूल्हे में जलकर पेट की आग को बुझाती है तो वो घर को जलाकर राख भी कर सकती है। कानून के सही इस्तेमाल में ही आपकी, हमारी और देश की भलाई है सेठ जी। मैं भी तो ये सब कुछ देश की भलाई के लिए कर रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पाठशाला के मास्टर जी तक सब यही कहते चले आए कि मुल्क की तजारती ताकत बढ़नी चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने लाखों रुपए की लागत से ये नई मशीन खरीदी है, एंड आफ्टर ऑल 400 मजदूरों को ही तो निकाल रहा हूँ। नेहरू जी ने ज्यादा लोगों को रोजी देने के लिए उद्योग बढ़ाने का नारा लगाया था, रोजी छीनने का नहीं। नेहरू चाचा तो ये चाहते थे
कि दुनिया का कोई इंसान भूखा ना मरे। हर इंसान को दो वक्त की रोटी, रहने को घर, पहनने को कपड़ा मिले। और एक आप जो बेचारे मजदूरों को नौकरी से निकाल रहे हैं और ले रहे हैं नेहरू जी का नाम, बगल में छुरी और मुंह में राम है। पूरन देखो प्रकाश, नदी में जब नया सैलाब आता है तो पुराने सैलाब को बहा कर ले जाता है, और फिर तुम्हें तो नौकरी से नहीं निकाला जा रहा, तुम क्यों परेशान होते हो? सेठ जी, हमारे मजदूर भाई नौकरी खोकर सड़कों पे भूखे मरे और आप चाहते हैं कि हम खामोश रहें? बरखुरदार, महात्मा गांधी भी यही कहा करते थे कि जब तक उनके देश के हर आदमी को पेट भर रोटी नहीं मिलती, तन ढांकने को कपड़ा नहीं मिलता, तब तक वह सिर्फ बकरी का दूध पीते रहेंगे, लंगोटी पहनते रहेंगे। लेकिन तुम ये कब से दूसरे महात्मा गांधी बनने की कोशिश कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, आप आज के इंसान की तुलना महात्मा जी से कर रहे हैं। उस महान व्यक्ति की धरती पर जन्म लेना ही हमारे और आपके लिए गर्व की बात है, और वो लोग जो आजकल महात्मा जी का इतना नाम लेते हैं, उनके दिखाए रास्ते पर एक कदम भी ले लें तो देश का नक्शा बदल जाए। सेठ जी शाबाश, तुम तो बड़े बड़े लीडरों की छुट्टी कर दोगे। मैनेजर साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं, हम छोटे लोगों के मुंह लगना आपके दिल के दौरे के लिए अच्छा नहीं। तुम बकवास बंद करो। ओह, आप बकवास शुरू कर रहे हैं, करिए करिए। सेठ जी, आखिर आपका क्या फैसला है? वही फैसला जो पहले हो चुका है, 400 मजदूरों को जाना ही पड़ेगा। ये बीच में टपकने वाले आप कौन होते हैं? नहीं जानता मैं कौन हूँ। हाँ जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम लोग छोटे कूली और आप बड़े कूली हैं, बल्कि कूला है। पूरन सेठ जी, आप एक बार फिर सोच लीजिए, कड़वे बीज बोने के बाद मीठे फल की आशा नहीं की जा सकती। आपका फैसला गलत है और नतीजा बुरा ही हो सकता है। मुझे डरा रहे हो, आखिर तुम कर ही क्या सकते हो? हड़ताल करोगे? जाओ करो, शौक से करो। शायद आपके लिए हड़ताल एक मजाक की बात है सेठ जी, लेकिन मजदूर के लिए हड़ताल एक मजबूरी है। जब उसे हक हासिल करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलता तभी वो हड़ताल करता है। जिस दिन वो काम पे नहीं जाता उसे रोजी नहीं मिलती, उसे रोटी नहीं मिलती, उस दिन सेठ जी उसके घर में चूल्हा नहीं जलता, उसका पेट चलता है। ये सब जानते हुए भी तुम अंगारों पर कदम रखना चाहते हो? मुसीबतों से डरकर अपने हक छोड़ देना बुजदिली है। हम गरीब जरूर हैं लेकिन बुजदिल नहीं। सेठ जी, मरने से तो अमीर लोग डरते हैं, गरीब बेचारा तो जीने से डरता है। अच्छा, तो 400 बेकार लोग और हजारों जिद्दी मजदूर गले मिलेंगे, लेकिन याद रखो, जब बेकारी और जिद आपस में गले मिलते हैं तो वहां भूख, प्यास, बीमारी और बर्बादी मंडलाती है। जी नहीं, जब वो लोग जो जुल्म के शिकार हैं और वो लोग जो अपने हक के लिए मरने को तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं तो बिजली कड़कती है, तूफान आता है। उस वक्त बर्बादी हम मजदूरों की नहीं होगी बल्कि चालाक खुदगर्ज मुनाफाखोरों की होगी। तुम इस मिल की बर्बादी चाहते हो? हमारा नेता महात्मा नहीं है लेकिन महात्मा गांधी की जमीन पर पैदा हुआ है, इसलिए तुम लोग सलामत हो, वरना आज यहां खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। श्याम, तुमने मिल में कदम रखते ही मजदूरों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, आज तुमने बिला वजह मुझ पर हाथ उठाया, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन आपका कुछ जरूर बिगड़ने वाला है। चलता हूं, चलो पूरे, चलो भाई, चलो सब। श्याम, ये लोग कहीं सचमुच हड़ताल तो नहीं कर देंगे? करने दीजिए, ये हड़ताल करेंगे तो हम लॉकआउट कर देंगे, लेकिन उसमें तो अपना ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इन सबको देख लूंगा। कैसी हालत बन गई है तुम्हारी? इन पुराने कपड़ों में से शायद गरीबी झांक रही है विमला, लेकिन मेरा मन गरीब नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस हालत में देखूंगी। किस चीज की कमी है मुझे? प्यार का सागर उड़ेलने वाला पति, माँ की ममता बरसाने वाली सास और तीन प्यारे प्यारे बच्चे। अरे, तुमने बच्चों को देखा नहीं ना? आओ मीना, मीना
राजा बैठो ना। अरे मीना जल्दी आओ, मौसी आई है। ये है मीना। अच्छा। और ये राजा। अरे और ये राजकुमार। मुन्ने प्यारे, इनकी दादी ने कम से कम नाम से तो इन्हें राजा बना दिया है। क्यों, ये सच में राजा नहीं बन सकता? किसकी किस्मत में क्या लिखा है हमें क्या मालूम। लाओ लाओ। ये सब क्या है विमला? हाथ कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ कपड़े, बिस्किट, चॉकलेट्स और ये हमारे राजकुमार के लिए। विमला सोने की प्याली। इसकी मौसी मामूली वकील नहीं, सरकारी वकील है। अपनी पहली कमाई से ये सब खरीद कर लाए हूँ। हाँ, इसमें मुन्ना दूध पिएगा। नहीं विमला, ये ठीक नहीं। क्यों? जिस घर में पानी ही दूध है वहाँ ये सोने की प्याली किस लिए? अरे हट, मैं तुम्हारे लिए नहीं मुन्ने के लिए लाई हूँ। लो मुन्ने, आओ बच्चों को नए कपड़े पहनाएंगे। काम बंद हुए एक महीना हो गया, नतीजा क्या होगा कुछ पता नहीं चलता। मजदूरों के भूखों मरने की नौबत आ गई, रोटियों के लाले पड़ने लगे। अबे तू जब देख तब रोटी खाने की बात करता है। मेरे को ऐसा लगता है तू अस्पताल में नहीं पैदा हुआ, किसी होटल में पैदा हुआ है। जब हमने तूफान से लड़ने का फैसला कर लिया है तो इन छोटी छोटी बातों से डरने का क्या फायदा। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट ने सरकार तक को खबर दे दी है। अरे बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए मुक्का नहीं हथौड़ा चाहिए, थोड़ा सब्र करो तोड़ देंगे। हम 400 आदमियों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं प्रकाश भैया। हम सब अलग नहीं मेरे दोस्त, हम सब एक हैं। यूनियन हमारी ताकत है, यूनियन का एक्शन हमारा हथियार है। हथियार नहीं, आइटम बम है, आइटम बम। लेकिन वो देखो वो गुलाल का पत्थर आ रहा है। आ गया तू, बच्चा बुखार में तवे की तरह तप रहा है और तू जाने कहाँ फिर रहा है बेकार में मारा मारा। मैं बेकार में नहीं फिर रहा माँ। हाँ हाँ, बड़े माधुरी के काम करता है, हड़ताल करता है, यही ना, लड़के को अस्पताल ले जाने तक की फुर्सत नहीं है। तू या छाया क्या कर रही थी? छाया क्या करती रहती हो सारा दिन, बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा सकती? हाँ हाँ, तुम बड़े घर की लड़की हो ना, इसलिए खराती अस्पताल में जाते हुए शर्म लगती है क्या? धोबी से नहीं पार बसाई, गधे के कान ऐंठने लगा है, उस पे बरस रहा है। मैं ही ले जाती हूँ इसे अस्पताल। चलो थोड़ी सी कांजी पी लो। माफ करना, मेरा आजकल गुस्सा बढ़ गया है। बाहर से भूखे आए थे ना, इसीलिए थोड़ा चावल बचा था उसी की कांजी बना दी। मतलब कल ये भी नहीं, कल की कल देखेंगे। लो और लो। हमें कम से कम इतना तो मिल रहा है ना, दूसरों के पास तो ये भी नहीं। तुम्हारा मालिक इंसान नहीं पत्थर है। तुम्हारी बिरादरी का बड़ा आदमी है ना? मैं अब उस बिरादरी में से नहीं हूँ, ऐसे बड़े आदमियों को इंसानियत और समाज का दुश्मन मानती हूँ। वाह वाह वाह, तुम तो हमारी लीडर बन सकती हो। उन पुराने दिनों की कोई निशानी देख रहे हो मुझ में? हाँ? वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान और ऊपर से 3 बच्चे, भूल गए? तुम लो। और लो। ना, बच्चों के लिए रखूंगी, भूख नहीं है मुझे।
आजकल तुम अपनी भूख बहलाना सीख गई हो। और क्या करूं, मैं तुम्हारी कुछ मदद भी तो नहीं कर रही, मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए। तुम्हारे लिए एक नौकरी बेस सिफारिश के कहां मिलेगी, और फिर मैं तुम्हें अपनी तरह मजदूरी करते हुए भी तो नहीं देख सकता। आयो, हमने मालिक के साथ समझौता करने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ। अब एक ही उपाय है कि हम मिल के फाटक के सामने कल से भूख हड़ताल शुरू कर दें। अंधे के आगे रोना, खुद अपने आगे खोना। भूख हड़ताल में भूखे रहने से आप लोग कमजोर हो जाएंगे, आप लोग की हड्डी पतली निकल जाएगी। मैं बोलता हूँ घेरा पूरी करें। लगता है भूख हड़ताल के नाम से ही तेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ये बात नहीं है शंकर चिचा, अरे अपन तो बगैर भूख हड़ताल के भी भूखे रह सकते हैं। मेरा मतलब ये था कि घेराव के अंदर भूख हड़ताल की खड़ताल बजाई जाए, तभी तो गवर्नमेंट पड़ताल का ऑर्डर जल्दी करेगी। हमने सरकार से अपील की है कि वो फैक्ट्री को अपने हाथ में ले ले, और इस सिलसिले में हमारे प्रेसिडेंट उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, समझे? लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें कल से ही टुकड़ियों में बंटकर भूख हड़ताल शुरू कर देनी चाहिए। जो लोग इस बात के लिए तैयार हैं वो हाथ ऊपर उठाएं। ठीक है, कल से भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। उठो ना, मैंने नहाने के लिए पानी रख दिया। क्या सोच रहे हो, कल यूनियन की मीटिंग में क्या तय हुआ? भूख हड़ताल। क्या? हाँ, कुछ तो फैसला होना ही चाहिए, या फैक्ट्री खुलवाना या मर जाना। कल फैक्ट्री के सामने भूख हड़ताल शुरू होगी, और सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। पहले ही खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और उस पर ये भूख हड़ताल। रोज इस तरह आधा पेट खा खा कर मरने से तो ये अच्छा है कि अपने मजदूर भाइयों के लिए फैक्ट्री के सामने हमेशा के लिए मर जाओ। ऐसा ना कहो, मुझे डर लगता है। अगली कहीं की डरने की क्या बात है? क्या बात है भाई, क्या हुआ? क्या हुआ? या, बात क्या है? ओ पानी अब भी लाती हूँ। क्या बात है? क्या हुआ बोल तो सही, क्या हुआ पूरन? वो अपनी मिल है ना, मिल में क्या हुआ? मिल में गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़? मिल में बहुत गड़बड़ होगी। बताता सही बताता हूँ, बताता हूँ। वो जो राम और श्याम है ना। कौन से राम और श्याम? अपना सेठ दौलत राम और उसका मैनेजर श्याम। क्या हुआ? वो लोग मरे नहीं, लेकिन उनकी नाक कट गई। सरकार ने मिल अपने हाथ में ले ली है, और अब सरकार मिल खुद चलाएगी। अरे मैं तो इससे भी एक गज लंबी खबर लेकर आया हूँ, बंदी के दिन तनख्वाह भी मिलेगी। अच्छी खबर आया। मैं ये खबर जाकर सब लोगों को सुनाता हूँ। शंकर काका, हमारी जीत होगी, मिल खुल गई। सच भैया कह रहा हूँ, सरकार मिल चलाएगी, हमारी जीत हो गई। हाँ माजी, हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी मिलेगी। अरे राजा, अच्छा सर, मैं चलता हूँ। सुनो, पहले नहा लो फिर जाओ। अरे भाई, नहाने का वक्त कहाँ है, मुझे जल्दी जाना है। हम खुशियाँ मनाएंगे, हमारे हक मिल गए हैं। मेरा भी कुछ हक है। अच्छा, तुम भी हड़ताल करोगी? ना, मैं घर की मालकिन हूँ, और मालिक लोग हड़ताल नहीं करते। तो फिर लॉकआउट करूंगी, लॉकआउट। आ जाओ, मिल खुल गई, सरकार चलाएगी। मिल सरकार चलाएगी। आ जाओ। यूनियन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। यूनियन जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। धरती माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान, नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान। धरती माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान, नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान। पूंजीवाद से दब न सकेगा ये मजदूर किसान का झंडा,
पूंजीवाद से दब न सकेगा ये मजदूर किसान का झंडा। मेहनत का हक लेके रहेगा मेहनत कश इंसान का झंडा। मेहनत का हक लेके रहेगा मेहनत कश इंसान का झंडा। योद्धा और बलवान हमारा प्यारा लाल निशान। यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा जिंदाबाद। धरती माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान। नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान। झंडे से सांस उखड़ती चोर मुनाफाखोरों की। इस झंडे से सांस उखड़ती चोर मुनाफाखोरों की। जिन्होंने इंसानों की हालत कर दी डंगर ढोरों की। जिन्होंने इंसानों की हालत कर दी डंगर ढोरों की। उनके खिलाफ ऐलान हमारा प्यारा लाल निशान। यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा माँ का मान हमारा प्यारा लाल निशान। नवयुग की मुस्कान हमारा प्यारा लाल निशान। फैक्ट्रियों के धूल धुएं में हमने खुद को पाला। फैक्ट्रियों के धूल धुएं में हमने खुद को पाला। खून पिलाकर लोहे को इस देश का भार संभाला। खून पिलाकर लोहे को इस देश का भार संभाला। मेहनत के इस पूजा घर पर पड़ न सकेगा ताला। मेहनत के इस पूजा घर पर पड़ न सकेगा ताला। देश के साधन देश का धन है जान ले पूजी वाला। देश के साधन देश का धन है जान ले पूजी वाला। जीतेगा मैदान हमारा प्यारा लाल निशान। प्यारा लाल निशान। यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, इंद्रा जिंदाबाद। ये लीजिए। क्या हुआ? मिल के मालिक ने सरकार के खिलाफ इंजंक्शन लेकर स्टे ऑर्डर ले लिया है। अब तो कोर्ट में ही फैसला होगा। चीज़। चीज़। हजारों मजदूरों को हमने अकेले ही हरा दिया। मेरा मतलब है हमारी दौलत ने। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सबमिशन योर ऑनर। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शानदार कामयाबी के लिए हमारे सेठ दौलतराम जी ने जिन छोटे बड़े लोगों की मुट्ठी गर्म की, जिनकी ताकत को अपनी दौलत से नरम किया, उनको और खास तौर पर लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे होशियार होनहार नौजवान मैनेजर मिस्टर श्याम को और सबसे ज्यादा हमारे कर्ता धर्ता से दौलतराम जी को चीयर। चीयर। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव सम फन नाउ। मंजू डैडी प्लीज। थैंक यू। Okay.
on now, leave her. Sorry! Ladies and gentlemen, dinner is served. I tell you, sorry! मुर्शीलाल ए मुर्शीलाल मेरे पास आ क्यों क्यों तू आ ना पास मेरे क्यों माँ भूख लगी है माँ कल स्कूल जाएगी ना वहां तुझे दोपहर का खाना मिलेगा ले अभी पानी पी ले माँ कल मैं भी स्कूल जाऊंगा माँ तू अभी छोटा है स्कूल जाने की उम्र नहीं तेरी स्कूल में खाना तो मिलेगा ना नहीं विमला ये नहीं लूंगी मैं ये क्या अच्छा है जरूरत के वक्त थोड़ी सी मदद करने का भी अधिकार नहीं है मुझे विमला तुम उस दिन बच्चों के लिए चॉकलेट कपड़े और सोने की प्याली लाई तो क्या लिया नहीं मैंने लेकिन आज की बात और है क्या बात है आज उन घरों की तरफ देखो किसी के भी घर से चूल्हे का धुआं नहीं निकल रहा अब अगर सिर्फ हमारे घर से धुआं निकले तो इतने सारे लोगों का मेरे पति पर से विश्वास उठ जाएगा और मेरे पति का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा छाया मुझे तो दुख है कि ऐसी हालत में भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती किसी की मदद या हमदर्दी से इस समस्या का हल नहीं हो सकता और तुम तो मुझे अकेले की मदद कर सकती हो इन सबकी नहीं मैं भी कितनी बदनसीब हूँ विमला तुम्हारी मदद कबूल नहीं कर सकती मुझे गलत मत समझना सर जी नोटिस लाया हूं नोटिस मेरे लिए क्या करो सर जी जब से आपने मिल बंद की है नोटिस आना चालू हो गई जब मिल चालू थी तब नोट भी चालू थी फास्टिंग टिल डेथ आम मरण भूख हड़ताल मरने वाले मरे नोटिस किस लिए भेजते हैं सर जी ताकि जीने वालों को मरने से बचने का मौका मिले इसलिए जय हिंद श्याम यस सर ये नोटिस आना कब बंद होंगे अभी हो सकते हैं सेठ जी अगर इस सारे झगड़े की जड़ में जो आदमी है उस पर हम काबू पा लें तो पाओ काबू जल्दी करो अरे घर में कोई नमस्ते प्रकाश बाबू नमस्ते क्या बात है बात कुछ नहीं आपने बहुत कोशिश की कि सरकार मील को अपने हाथ में ले ले लेकिन हमने स्टे ऑर्डर लेके उसे रोक लिया मालूम है मालूम तो मालूम होना ही चाहिए ये ले लो ये क्या है पैसे खास तुम्हारे लिए किस काम के लिए काम के लिए नहीं बिना काम किए हुए चुपचाप बैठने के लिए मतलब ये है कि कुछ दिन ये मील के झंझट को भूल जाओ आराम करो घोड़े बैठ के सो जाओ देखो अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ यहाँ से मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ बेटा मेरी बात मान लो मैं कहता हूँ सीधी तरह चले जाओ एक दफे फिर सोचो सोचो हाँ प्रकाश जानते हो ये कौन है जी हाँ झूठी गवाही देकर घरों को बर्बाद करने वाले अदालत के इस कीड़े को मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मेरा आदमी है सच मुझे तो मालूम ही नहीं था तो मालूम कर लेना अच्छा है तुमने से नहीं मारा मुझे मारा है दौलत राम कॉटन मिल के जनरल मैनेजर को अरे वो तो मैंने इसे गलती से मारा है अगर मुझे मालूम होता कि आपने इसे भेजा है तो क्या फिर तुम मुझे मारते हो क्या चाह रहा है रुक जाओ प्रकाश ये क्या करते हो छाया आज तक मैं समझता था कि तुम्हारे पति के पास दौलत नहीं लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि इसके पास तो दिमाग भी नहीं है अगर इसने लोगों के साथ ठीक तरह से सलूक करना नहीं सीखा
तो नतीजा बहुत बुरा होगा। समझा दो इसे। श्याम, प्रकाश तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारा जन्म अमीरी में हुआ है, तुम पैसे में पली हो, पैसे की कदर सिर्फ तुम ही जानती हो। ये बेचारा तो सिर्फ गरीबी और भूख के सिवा कुछ नहीं जानता। ये आदर्श, ये नारे सिर्फ सड़कों पर चलाने के लिए ठीक है, लेकिन इनसे पेट की भूख नहीं मरती। इससे कहो कि ये यूनियन, हड़ताल, बेकारी और दूसरों की तकलीफों को भूल जाए और अपने सुख दुख का ख्याल करे। मुंशीराम, पैसे लाओ। छाया। हाँ प्रकाश, अपने श्याम जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच है। तुम सिर्फ अपने भाइयों के भलाई और सच्चाई की कीमत जानते हो। श्याम की तरफ देखो, इनको ना दुनिया की भलाई की फिक्र है ना सच्चाई की परवाह, फिर भी ये बड़े आदमी बनकर घूम रहे हैं। अगर बड़े लोगों को ये सच्चाई या भलाई की फिक्र नहीं तो आदर्शों की लकीर हम क्यों पीटें? दूसरे मजदूरों की जो भी हालत हो हम क्यों अपना सिर फोड़ें? अगर किसी के बच्चे भूखे मरे तो हमें उससे क्या? हम और हमारे बच्चे राजों महाराजों की तरह रह सकते हैं। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? सिर्फ हड़ताल करने से बाज आना है। शाबाश। अगर हम श्याम की बात मान लें तो ये हमारी खूब मदद करेंगे, खूब पैसा देंगे, है ना श्याम? हाँ हाँ, जब चाहो जितना चाहो। ये निर्लज्ज, क्या समझा है तूने मेरे पति को? तू इन्हें अपनी तरह नीच और स्वार्थी समझता है? इस पराई आग में तपने वाले तपस्वी को, त्याग की इस मूर्ति को तू दुनिया भर की दौलत से भी नहीं खरीद सकता। हमारे पास मुट्ठी भर चने होंगे तो सब भाई एक एक दाना बांट कर खा लेंगे, और अगर भूखे ही मरना होगा तो सब साथ मिलकर मरेंगे। चले जाओ यहाँ से। पल भर भी तुम यहाँ रहे तो मैं क्या कर बैठूंगी मैं खुद नहीं जानती। अच्छा सबक सिखाया तुमने उसे। जब तुमने अपने हाथ में नोट लिए मेरे दिल को धक्का सा लगा। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ इतने दिन गृहस्थी चला रही हूँ, तुम्हारे जगमगाते तेज की एक छोटी सी किरण मेरे मन में भी तो हो सकती है। मर गया। ना, दोनों हाथों से शेर जी को नमस्ते भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, उस बदमाश प्रकाश ने मार मार के मेरी चटनी बना ली, हड्डियां तोड़ दी। और तुम इन हड्डियों को गठरी में बांधकर यहाँ ले आए? आखिर तुम एक मामूली वकील के मामूली मुंशी हो। तुम्हारी हड्डियां तो किसी भी खराती अस्पताल में जुड़ सकती, लेकिन हमारी इज्जत, सेठ दौलतराम की जो बेइज्जती हुई है उसका इलाज कहाँ होगा? इसके लिए हम अदालत में मानहानि का मुकदमा कर देंगे। शाबाश। गधे कहीं, जब से तुम लोग आए हो हमारी मिल मुनाफे पर नहीं मुकदमों पर चल रही। क्यों शाम, यही है तुम्हारी काबिलियत? ऐसी बात नहीं शेठ साहब। फिर क्या बात है? वो एक मामूली मजदूर प्रकाश, जिसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं, हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। ये उसने तुम्हें नहीं हमारे मुंह पर जूता मारा है। यस सर। यस सर। हम अगर वहां होते तो चुप रहते, कुछ न कुछ कर बैठते। कर तो हम भी बहुत कुछ सकते थे सेठ साहब, लेकिन हमने सोचा आपसे पूछकर। इसमें पूछना क्या है, आओ मेरे साथ। जब बांसी नहीं रहेगा तो बंसरी कैसे बजेगी, समझे? जी। अब कल के बाद प्रकाश आपको कभी तकलीफ नहीं देगा। शाबाश। हम शहर जाकर दूसरा काम पूरा करते हैं, तुम बड़ी होशियारी से ये काम पूरा कर दो। जी सेठ जी। अभी तुम जाओ और जल्दी से जगह को यहां भेज दो। सुनो, कहाँ जा रहे हो? यूनियन ऑफिस जा रहा हूँ। अंधेरा हो रहा है। हाँ, अंधेरा हो रहा है।
इनकलाब, जिंदाबाद, यूनियन, जिंदाबाद, छाया। मुझे डर लगता है माँ। डरो मत बेटी। पिताजी कब आएंगे माँ? आते ही होंगे बेटा। क्या हुआ? प्रकाश का खून हो गया। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? सरदारों ने आपके बेटे को मार डाला। माँ जी मार डालो, डैडी मार मार डालो, मार डालो। अंधेरों की दुनिया, कातिलों और लुटेरों की दुनिया, ये भयानक अंधेरों की दुनिया, कातिलों और लुटेरों की दुनिया, कौन है जो तेरा हाथ थामे, संग दिल जालिमों के नगर में, संग दिल जालिमों के नगर में, अब अकेले ही चलना पड़ेगा जिंदगानी के लंबे सफर में, अब अकेले ही चलना पड़ेगा, अब अकेले ही चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर सोहनलाल, मैं दौलतराम बोल रहा हूँ। आधा घंटा पहले मैंने आपको टेलीफोन किया था कि मेरे मिल के मजदूर मेरे बंगले में घुसने की कोशिश कर रहे, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। क्या हुआ उसका? पुलिस भेज चुके हैं। थैंक यू। मजदूरों के सवाल का बहन, हम तुम्हें अपने साथ अपने घर ले चलेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। अगर माँ जी भी चली जाएंगी तो यहाँ मेरा कौन है? ये बच्चे किसका मुंह देखकर जिएंगे? अरे अब कैसी बात कर रही हो बहू, राखी बांधने वाली बहन की ये दशा हो तो कोई भी भाई चुप बैठ सकता है क्या? चलो गोमती बहन। नहीं नहीं, इन भोले वाले बच्चों को छोड़कर मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। जी क्या कह रही हूँ नंद जी, हम कोई परदेश थोड़े जा रहे हैं। कुछ दिनों हमारे साथ रहना, तुम्हारा दुख भी कम हो जाएगा, फिर जहाँ जी चाहे रहना। और ऐसा है बहन कि बहू अब अपने और अपने बच्चों का ही गुजारा नहीं कर सकती, तो तुम्हारा बोझ उस पर कैसे डाले? दादी माँ मत जाओ। चुप है दादी माँ, मत जाओ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जैसे ही मेरी बहन भी भूखी मरे। चलो भूखती में तो बहुत हो चुका। नहीं नहीं नहीं, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना, दादी माँ। नमस्ते, मैंने सुना आपके बच्चों के लिए एक टीचर चाहिए। जरा सुनो तो। क्या बात है? ये हमारे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी मांगने आई है। कौन सी क्लास को पढ़ाना है ये भी पता है? जी हाँ हाँ, तुम्हारी सूरत से ही पता चलता है कि तुम क्या पढ़ाओगी। बेबसी ने ऐसा बना दिया है, एक दो घरों में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल जाए तो अपने बच्चों को पाल सकूंगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, मगर तुम हो कौन, रहती कहाँ हो? जी मैं पास ही मजदूरों की बस्ती में रहती हूँ। दौलतराम मिल में प्रकाश थे ना, उनकी पत्नी हूँ। प्रकाश, मजदूर यूनियन का लीडर जिसका खून हुआ था? ना बाबा ना, तुम तो बच्चों को साइंस के बदले सोशलिज्म और कम्युनिज्म सिखाओगी। अरे बच्चे घर में हड़ताल और घेराव करेंगे, मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। गोमती बहन, तेरे को हलवा पूरी बहुत पसंद है ना, तो ले, तेरी भाभी ने अपने हाथों से बनाया है। हाँ लिखा।
क्यों जी? हाँ जी, हमें तो रूखी सूखी रोटियां खाने को मिल रही है। अब वो बुढ़िया हलवा पूरी तोड़ेंगे, ऐसे कब तक चलेगा? अरे क्या बात कर रही हो मेरी छम्मू, जब तक गोमती बहन का वो घर अपने कब्जे में ना आ जाए ना, तब तक तो ये खुशामत करनी पड़ेगी। और जिस दिन वो घर अपने कब्जे में आया ना, इस बुढ़िया के इस घर से भी छुट्टी समझो। तुम्हारी माँ अंदर है? नहीं दादी माँ। ये लो, तुम भी लो, जल्दी खा लो, तुम्हारी माँ देखेगी तो गुस्सा करेगी। ये लो, छोटे मुन्ने को दे दो, मैं जाती हूँ। मत जाओ दादी माँ, यही रहो दादी माँ। हलवा पूरी कल भी चाहिए ना, कल फिर लाऊंगी। अच्छा तुम जाओ जाओ जाओ। यहाँ कोई काम नहीं, सीमेंट और रिंग का मिलना मुश्किल है, हमारे ही मजदूर बेकार हैं। सिर्फ एक दिन के लिए काम पर रख लीजिए। देखो हम रोजाना मजदूरी पर आदमी नहीं रखते, यहाँ तो भाई सब महीने की तनख्वाह पर हैं। जी मेरे बच्चे। अरे कह दिया ना बाबा की काम नहीं है, जाओ जाओ कहीं और कोशिश करो। कहाँ जा रही? कहीं नहीं, यूं ही बच्चों को देखने जा रही। क्या छुपा रखा? कुछ नहीं। बाहर निकलो। एक तो खुद फक्कट का खा रही हो और दूसरे उन कीड़े मकड़ों के लिए ले जा रही हो। काली चरण मेरी बात तो। मैं कह रहा हूँ कि चलो। दीदी दादी माँ नहीं आई, आती ही होंगी, भूख लगी है। तो चलो दादी के घर चले। क्यों बे? अब्बा इधर क्यों आए हो? दादी माँ को देखने, वो हमें हलवा पूरी देंगी। तुम्हारा बाप यहाँ कमा के नहीं रख गया कि दादी माँ लाए और तुम खाओ? चलो यहाँ से। हमें भूख लगी है। अरे भूख लगी तो कहीं जाकर भीख मांगो, भीख। चलो यहाँ से। बाबा एक पैसा दे, बाबा। अम्मा एक पैसा दे। भूखे बच्चे मांग रहे।
को कहीं देखा तुमने? हाँ, सड़क पर भीख मांग रहे हैं। क्या? भीख मांग रहे हैं? निकालो। पैसा नहीं, ये लो सोने की प्याली। आओ मेरे साथ। ठहरो, क्या सोने की प्याली छीनना चाहते हो? चिंता विंता कौन है, अपना काम देखो। ओके बात, लाओ इधर, वापस दो, वापस दो, दे दोगे नहीं? चलो आइए हवलदार साहब, आइए आइए। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं हवलदार, ये बच्ची सोने की प्याली चुरा लाई, इसलिए मैं इसे आपके पास ला रहा था कि आप खुद आ गए। लीजिए। ए बच्ची, ये तू लाई है? हाँ। चोर कहीं की, चल पुलिस स्टेशन। पेट भरने का कोई अच्छा सा रास्ता नहीं मिला तुम्हें? अभी से बच्चों को चोरी करना सिखा रही हो? आप गलत समझ रहे हैं, मेरे बच्चे चोर नहीं हैं। चोर नहीं है तो फिर ये सोने की प्याली कहाँ से आई? ये हमारी है, मेरी एक सहेली ने भेज दी। सहेली ने या किसी यार ने? शट अप। इंस्पेक्टर, विल यू आस्क योर हेड कांस्टेबल टू बिहेव प्रॉपर्ली? हमारी हालत देखकर वो जो मुंह में आया बक रहे हैं। 506, वो चीज यहाँ लाना। आप बैठे ना। कोई बात नहीं, मजबूरी में हमारी ही चीजें हमें चोर साबित कर रही है। देखिए, शक हुआ तो पूछताछ करना हमारा फर्ज है। जरूर कीजिए। मेरा नाम छाया है, दौलतराम मिल में जो प्रकाश थे उनकी पत्नी हूँ मैं, और विमला कुमारी जो अब सरकारी वकील है वो मेरी सहेली है, उसी ने ये प्याली मेरे बच्चे को भेंट दी। जरूरत हो तो उससे पूछ के पता कर सकते हैं आप। We are sorry, हमने जल्दबाजी कर दी। प्लीज ये लीजिए। चलो बेटे। माफ कीजिए बहन, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा। गलती आपकी नहीं, हमारी गरीबी की है। मेरी प्यारी विमला, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी प्यार भरी भेंट मुझे एक दिन लौटानी पड़ेगी। मुझे माफ करना, इसके हमारे घर में रहने से हम पर चोरी का धब्बा लग रहा है। जिनके यहाँ खाने को दाना नहीं, उनके पास सोने की प्याली देखकर कौन शक नहीं करेगा। मेरे लिए तुम्हारा प्यार सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। हमेशा तुम्हारा प्यार चाहने वाली छाया। सुरेश। यस मैडम। ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तैयार करे, मुझे मेरी सहेली छाया के गांव जाना है। लेकिन मैडम। लेकिन क्या? यहाँ तो कल से बहुत जरूरी मुकदमा शुरू हो रहा है, चार पांच दिन तो आप नहीं जा सकेंगी। मैं तो भूल ही गई, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, मैं बाद में जाऊंगी। इधर आओ। राजा, दीना, राजा, राजा,
भाभी। पूरन भैया। भाभी मुझे अफसोस है, प्रकाश भैया के खून का मामला बिना किसी जांच के दबा दिया गया। अब केस दबा दिया जाए या चलाया जाए, उन्हें तो लौटा कर नहीं लाया जा सकता। लौटा कर तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन भाभी दौलत राम से बदला लेने के लिए मेरा खून खौल रहा। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं उस कमीने का गला घोंट देता और बेदाग बच जाता। इन बातों से कोई फायदा नहीं पूरन, अब एक एक दिन का खाना मिलना भारी हो रहा है। सोच रही हूँ इस घर को बेच दूं। अरे भाई किसका घर बेच रही हो बाबू? अभी अपना घर बेचने का विचार कर रही। इसका घर कैसा घर है? इनकी बहन का, मेरी ननद का। लेकिन मैं भी तो उनकी बहू हूँ। कौन से कायदे से? अरे भाई मैंने कुंदनलाल वकील से पूछ लिया सब। वकील से क्या पूछा तुमने? लीडर शादी विवाह कराने वाला पंडित नहीं होता है, और फूलों के हार डालने डलवाने से कोई पति पत्नी नहीं हो जाते। हाँ तो क्या जूतों के हार डालने से पति पत्नी बन जाते हैं? पूरन चुप रहो। मामा जी मेरे बच्चों से ये छोटा सा घर भी छीनना चाहते हैं आप? मामा क्या बताएगा, मामी बताएगी। ये घर तुझे दे देंगे तो तेरी सास को क्या खिलाएंगे? और मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? अरे तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों की देखभाल करने वाला ये मुस्टंडा जो है। मामी जी। बहू अरे मेरे भांजे के मरने के बाद इतने दिनों तक कैसे गुजारा कर रही थी तू? इससे क्या पूछ रहे हो, दुनिया वालों से पूछो। नसीब वाला था तुम्हारा भांजा प्रकाश, जो इसके ऐप देखने के पहले ही दम तोड़ गया। हाँ अगर आपको अपने भांजे से इतना ही प्यार था तो उनके बच्चों को अपने साथ ले जाइए और पाल पोस कर बड़ा कीजिए। पर ये भी कैसे विश्वास कर ले कि ये बच्चे प्रकाश के ही हैं? झूठे कमीने दलील, एक देवी पे इल्जाम लगाता हूँ। सूरज पर कीचड़ उछालने से उस पर दाग नहीं लगता। मैं सूरज नहीं, औरत हूं। औरत की इज्जत सफेद चादर की तरह होती है, उस पर कीचड़ उछालने से न छूटने वाले दाग लग जाते हैं। भाभी जब तक मैं जिंदा कालीचरण इधर को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुम्हारी यह हमदर्दी ही मेरी बदनामी का कारण बन रही है पूरा। भाभी। हाँ भैया, मैं दुख सह सकती हूँ, भूख सह सकती हूँ, लेकिन बदनामी नहीं सह सकती। पूरन अगर तुम्हें प्रकाश की इज्जत का ख्याल है, उनके बच्चों से प्यार है, तो मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ आज से यहाँ मत आना। क्या एक भाई अपनी बहन से मिलने भी नहीं आ सकता? तुम्हारी इस भाई बहन की भावना को दुनिया नहीं समझती। हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं और मेरे बच्चे मर भी जाए फिर भी तुम यहाँ नहीं आना। कसम है तुम्हें अपनी बहन की, अपने स्वर्गवासी दोस्त की। ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम्हारी कसम मैं तुमको फिर कभी अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। तुमसे और बच्चों से तुम बहुत दूर चला जाओगे। छाया बहन, छाया बहन। क्या है? तुम्हारे बच्चे फिर बाजार में घूम रहे हैं। छाया
एक प्लेट समोसा ला। एक प्लेट समोसा ला। चोर कहेंगे? चोरी करने का मजा अभी चखाता हूं। अबे तू आदमी है या जानवर? मासूम बच्चे का हाथ काटते हो तो क्या चोरी करने वाले का मुंह चूमते हैं? होश में होश आया बेटी, मार मार के बच्चों की जान लोगी? देखो उस होटल वाले नीच ने हाथ ताप दिया बच्ची का। जालिम जमाना तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी से जीने नहीं देगा। मेरे पास आओ, आओ। शंकर चाचा, ये दवा ला दो जल्दी से। बेटी बच्ची के हाथ के लिए है ना, चलो लगा दी। नहीं चाचा, मैं लगा लूंगी, बहुत रात हो गई है, अब तुम जाओ। क्षमा करना भगवान, सारे लोगों के आदर्श थे मेरे प्रकाश, उनके बच्चों को चोरी करते भीख मांगते नहीं देख सकती मैं, दर दर की ठोकरें खाते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। सपनों के गाने परियों के संग तुम्हें जाना है, सो जाओ चैन से इस काले रैन से, आगे जो देश है सुहाना है, तारों की छाँव में सपनों के गाँव में परियों के संग तुम्हें जाना।
खिली रहे सजी रहे यूं ही ये क्यारी, हंसी खुशी जियो सभी माँ तुम पे वारी। आई रे आई रे आई रे चंदा के रथ की सवारी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और इस तरह कुत्ते के खाए झूठे खाने में जहर मिलाकर मैंने बच्चों को खिलाया और मैंने खुद भी खाया, लेकिन जहर ने भी मुझे धोखा दिया, मुझे मौत नहीं आई। मेरे पाप की सजा ये थी कि मुझे अपने ही बच्चों को घुट घुट कर मरते देखना पड़ा। योर ऑनर, मुलजिमा का दर्दनाक बयान सुनने के बाद मैं इस अदालत में पूरे मामले को फिर से पेश करना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? अभी तक मैंने पुलिस की तरफ से इकट्ठे किए गए सबूत लेकर सरकारी वकील का फर्ज पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कानूनी फर्ज मैं पूरा कर चुकी हूँ, अब इंसानी फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। मैं ये साबित कर दूंगी कि उन बच्चों के खून की जिम्मेदारी मेरी सहेली पर नहीं, आज के समाज पर है। योर ऑनर, जिस माँ ने 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को संभाल कर रखा हो, वही उसकी हत्या कर दे, अपने दिल के टुकड़े का गला घोंट दे, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण है। सुबोध और कानून ने छाया को संगीन जुर्म के शिकंजे में जकड़ लिया, लेकिन मजदूरों के दुश्मन दौलत राम, भलाई के दुश्मन मेरे पिता कुंदन लाल और इंसान के रूप में शैतान श्याम, इन समाज के दुश्मनों तक कानून के हाथ नहीं पहुंच सके। ऐसे भेड़ियों का मुकाबला करते करते सच्चाई की राह पर चलने की कोशिश में एक छाया नहीं, हजारों छाया अपने आप को मिटा रही हैं। क्या इन्हें बचाना हमारा फर्ज नहीं? इनकी रक्षा करना हमारा धर्म नहीं? अगर इसका जवाब हाँ है तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि इस निर्दयी स्वार्थी समाज को बदल डालो और एक ऐसे समाज का निर्माण करो जिसमें भूख और मायूसी से लाचार होकर कोई माँ अपनी औलाद का खून न करे, कोई बच्चा दूध के लिए ना तड़पे, रोटी के बिना कोई इंसान दम न तोड़े। और ऐसा समाज निर्माण करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो कानून को बदल डालो। आई एम सॉरी माय लर्नेड फ्रेंड, अब कुछ नहीं हो सकता। छाया देवी, और कुछ कहना है आपको? हाँ जज साहब, दुनिया की कोई माँ किसी भी हालत में वो जुर्म न करे जो मैंने किया। जिंदगी और मौत के बीच झूलते वक्त मेरे बच्चों की वो दर्दनाक चीख, दिल को चुभने वाली उनकी डूबती नजरें, नहीं भगवान नहीं, किसी माँ को वो नरक नसीब ना हो, किसी माँ को अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखना ना पड़े। जो पाप मैंने किया वो कोई माँ ना करे, कभी भी ना करे, कभी भी। अदालत कल तक बर्खास्त की जाती है। आपसे मिलने आई हैं। छाया, छाया, विमला, छाया, अब मैं सरकारी वकील नहीं हूं,
मेरा कोई फर्ज नहीं है। जो कुछ भी है वो तुम्हारा प्यार है, तुम हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस दुनिया में हर किसी न किसी तरह मुझ पर अन्याय किया है, क्या तुम भी मुझ पर अन्याय करोगी? छाया, ये क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, तुम मुझे मौत से बचाओगी, मेरी सजा कम कराओगी, यही ना? नहीं विमला, नहीं, मुझे मार डालो। ऐसा नहीं हो सकता छाया, तुम्हें जीना होगा, जीना ही होगा। तुम नहीं समझोगी विमला, अपने बच्चों से मिलने के लिए माँ की तड़प, पति से मिलने के लिए पत्नी की बेचैनी, तुम नहीं समझोगी। मुझे जाना है छाया, वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना है छाया। ओ विमला, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहे हैं विमला, मुझे जाना है, उनके पास जाना है, उनके। भूख प्यास और जुल्म की दुनिया छोड़ गई तू आज, तुझको रास न आया ये अंधा बेदर्द रिवाज, तेरी तरह से और न हो अब बसते घर बर्बाद, तेरी हालत देख के बदले ये बे